या तो हम लाज रखें मातृभाषा जननी की, या तो हम लाज रखें मातृभाषा जननी की, या तो फिर झूठा व्यर्थ अभिमान छोड़ दें। या तो हम लाज रखें मातृभाषा जननी की, या तो फिर झूठा व्यर्थ अभिमान छोड़ दें। या तो लाल बन जाए मात भारती के हम, या तो लाल बन जाए मात भारती के हम, या तो आन बान वाली झूठी माला तोड़ दें। आचरण संप्रेषण, आचरण संप्रेषण जीवन शैली वरण, शब्द शब्द बिंदी बिंदी गर्व हिंदी जोड़ दें। वाह 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 वाह, आचरण संप्रेषण जीवन शैली वरण, शब्द शब्द बिंदी बिंदी गर्व हिंदी जोड़ दें। करता हूँ आह्वान हिंदी के सपूतों सुनो, करता हूँ आह्वान हिंदी के सपूतों सुनो, करता हूँ आह्वान हिंदी के सपूतों सुनो, आज से यहीं से हम भाषा भाग्य मोड़ दें, आज से यहीं से हम भाषा भाग्य मोड़ दें। नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे आज तक के साहित्य, आज तक के साहित्य अड्डा पर। जैसे कि हम लोग साहित्य से संबंधित, भारतीयता से संबंधित, कला से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, जब कभी भी कोई गर्व का समय होता है या विषय होता है, हम तमाम उस अवसर पर पूरे विश्व से उन मशालों को इकट्ठा किया करते हैं जिनकी वजह से पूरा पूरा विश्व एक द्वीप में बदल जाता है, कम से कम संस्कृति के प्रचार और प्रसार की वजह से। आज हमने जो चुना है, आपने उनको सुना है। मैं अगर आज के कार्यक्रम के बारे में कहूं, तो मैं मेरे जो मेहमान हैं, जो आज मेहमान हैं, इनमें से कई लेकिन हमारे इस कार्यक्रम के हमारे सदस्य हैं, हमारे परिवार का सदस्य हैं, लेकिन आज का जो विषय है हिंदी दिवस, मैं इसलिए आपसे आज के जो मेहमानों को जोड़ने का विशेष कारण है मेरा, आप थोड़ी देर में और आपके सामने वो खुलता चला जाएगा। मेरे मन की एक बात है कि जो भाषा आ से अनपढ़ से शुरू होती है, गा से ज्ञानी पे लाके आपको तैयार होके खत्म करती है, जो भाषा आपको वैज्ञानिक तरीके से विकसित करती है, आप का खा गा घा बोलिए पीछे जीभ टकराती है, आ आ इ ई बोलिए कहीं नहीं टकराती है, या रला बसा बोलिए आगे की तरफ टकराती है, चा छा जा जा बोलिए मध्य में टकराती है, तो जो जिस इतनी वैज्ञानिक भाषा, इतनी वैज्ञानिक रूप से तैयार भाषा, जिसने की जिसका जिसका उद्देश्य यही था कि जब कभी कोई उच्चारण करेगा तो उसका सर्वांगीण विकास, कम विकास कम से कम बोलचाल के स्तर पर और भाषा के स्तर पर, जो एक आजकल हम देखते हैं कि बोलने में हचकिचाहट है, वो नहीं हो सकती क्योंकि वो बनी ही इस तरह से है। कभी भी कोई जो हमारे 12 स्वर, तो इस भाषा के 12 स्वर और 36 व्यंजन है, तो आप करके देख लीजिए, आप सब बाद में देखिएगा, आ आ ए ए ओ ओ ए ए ऐ औ, कहीं भी जीभ नहीं टकराई, फिर क ख ग घ, फिर आगे चलते च छ त थ, तो इस तरीके से आपके पूरी जीभ का एक चक्र घूमता है। इतनी वैज्ञानिक भाषा, इतनी समृद्ध भाषा, जिसकी संस्कृत निष्ठ हिंदी ने विश्व को 2 करोड़ शब्द दिए, जिसको पूरे विश्व में 1.25 अरब, 1.5 अरब के आसपास लोग पढ़ते लिखते बोलते और समझते हैं, तब मैं जब इस दिन को उस भाषा के सम्मान के प्रति जब हम सिर्फ हिंदी दिवस मनाते हैं, तब मैं ये उम्मीद रखता हूं और मैं ईश्वर से ये कामना करूंगा कि मैं अपने सामने, अपने जीते जी ये देख सकूं कि हम इसको किसी दिन राष्ट्रभाषा दिवस के तौर पर मनाएं। जब हम राष्ट्रभाषा का संकल्प लेते हैं, तो हम राष्ट्रभाषा के संकल्प के तौर पर उन लोगों को चुना करते हैं जिन्होंने, जिनको जानना आज के दौर में कम से कम उन सबके लिए जरूरी है जो मुस्कुरा के ये कहते हुए बड़ी शान से गुजर जाते हैं कि मेरी हिंदी थोड़ी खराब है। उन सबको आज इस कार्यक्रम को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर जो चेहरे हैं, उन्होंने उनके लिए बहुत आसान था कि वो ओढ़ के अंग्रेजियत को या गिलासों के अंदर बर्फ के साथ घोल के पूरी दुनिया की संस्कृति को पी सकते थे या पानी की तरह निगल सकते थे, लेकिन उन लोगों ने भारत से निकलकर भारत के बाहर विश्व के कोने कोने में, मैं कह सकता हूं कि शंकराचार्य ने बहुत कम उम्र में, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे सनातन धर्म को एक किया था, चारों मठ को स्थापित किया था, उस तरह से आज हमारे मेहमान हैं जो पूरे विश्व में जगह जगह घूमकर भाषा के माध्यम से कम भारत को एक रूप में बांध रहे हैं, एक सूत्र में बांध रहे हैं। आइए, मैं स्वागत करता हूं, मैं स्वागत जितना भी करूंगा वो उनका बहुत कम है, क्योंकि उनका उनके स्वागत
मैं समझता हूँ कि आज हमारी 12 जो 12 व्यंजन और 36 जो हमारे स्वर 12 स्वर और 36 जो व्यंजन है उन सबको आज उनको नतमस्तक होकर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत आसान था इनके लिए, बहुत आसान था इनके लिए ये कह देना कि मैं बिहार से नहीं आता, बहुत आसान था इनके लिए ये भूल जाना कि मैं फरीदाबाद से नहीं आती, बहुत आसान है इनके लिए कहना कि मैं राजस्थान से नहीं आता, सबके लिए बहुत आसान है। लेकिन ये आज पूरे विश्व में शिखर पर होने के बावजूद, सर्वोच्च शिखर पर होने के बावजूद, उसके बाद भी कहते हैं गर्व से, हम हिंदुस्तान से हैं, हम भारत से हैं, हम हिंदी के बेटे हैं। तो जो मैंने बात कही कि आज से यहीं से हम भाषा भाग्य मोड़ दें, मेरा प्रयास रहेगा कि हम आज एक प्रयास करें, प्रयास करने में हमारी तरफ से कोई कमी कभी नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ, मेरी एक तरफ आप देख रहे होंगे, आप नाम पढ़ सकते हैं, तमाम हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं, अभय के, मैं उनसे पूरे एक वर्ष के पश्चात मिल रहा हूं, और मैंने उनसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि उम्र का चक्र आपका लग रहा है कि पीछे की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि वो पिछले वर्ष के मुकाबले और अधिक खूबसूरत हुए हैं। और इसका एक मुख्य कारण हो सकता है, मैं आपको बताऊं, जब आपके घर में कोई बच्चा बोलता है कि मेरा थोड़ा हिंदी खराब है, या हिंदी को हम क्लास में भी अपने बच्चों की पढ़ाई में भी कम महत्व देते हैं, बाकी सब तो ठीक है, बस जरा हिंदी में गड़बड़ है, तो मैं आपको बताऊं कि अभय के जी मेडागास्कर में भारत के राजदूत हैं, और उनको इससे अधिक गर्व इस बात पर है कि वो हिंदी के बेटे हैं। उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि हिंदी के अलावा, क्योंकि हमारी संस्कृति समावेशी है, हमारी संस्कृति सबके सम्मान की, भाषाओं के सम्मान की है, लेकिन जब हमारे दर्द की बात आती है, जब हमारी भारतीयता की बात आती है, तो सबसे पहले अगर कोई विश्व में झंडा लेकर चलता है हिंदियत का, हमारी भारतीयता का, तो हमारे आज के मेहमान है, उन्हीं में से अभय जी हैं। उन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया, उन्होंने विश्व को कई रूपों में बहुत कुछ दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस संतति से आते हैं जिससे वो आए हुए हैं। उन्होंने एक अर्थ एंथम लिखा था, मैं आपको बताऊं, उसको इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलूंगा तो आप समझ सकते हैं, जैसे राष्ट्रगीत की तरह होता है, ऐसे उन्होंने धरती का गीत लिखा, जिसको यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस से सम्मान मिला, जिसको अगर हम दुनिया में कहें कि सिनेमा के तौर पर बहुत बड़े दो तीन नाम लेना चाहें तो श्याम बेनेगल हो, या फिर ऑस्कर से सम्मानित हमारे बहुत सारे मेहमान हो, या हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हो, फिल्म के लोग हो, या दुनिया के जितने संभ्रांत वर्ग के जो अगुआ होते हैं, उन सब ने उस गीत को सराहा, बहुत ज्यादा प्यार किया। इस बीच मैंने जो कहा कि उनकी सुंदरता बढ़ गई है, तो मैं उसका कारण जानना चाहता था। उसकी एक वजह यह है कि उन्होंने पूरा वर्ष पूरी तरह से सिर्फ साहित्य की सेवा में लगाया है, उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिख दी हैं कि यहाँ तक कि आप, मैं फिर उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ यहाँ पर, जो लोग हिंदी से थोड़ा सा कतराते हैं, उन्होंने हिंदी में कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद किया है, उन्होंने हिंदी में कालिदास के ग्रंथों को चुना, उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रखा है, उन्होंने शैली को, पीबी शैली को पढ़ रखा है, चार्ल्स लैम को पढ़ रखा है, लेकिन जब वो कलम उठाते हैं तब वो उठाते हैं कालिदास पर। मेरा बहुत स्वागत मेरी तरफ से, मेरे मेहमानों की तरफ से, साहित्य अड्डा की तरफ से, अभय सर शत धन्यवाद शत वंदन, आपका आपको, स्वागत है आप साहित्य आज तक में। इतने इतने गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए आपको धन्यवाद। आभार सर। और मैं आपके दूसरे मेहमान से आपको मिलाता हूँ, मैं धीरे धीरे सबका परिचय कराऊंगा। मैं जानता हूँ कि लोगों को अक्सर ये कहते सुना है, मुझे भी कई बार सलाह दी गई है कि आप भूमिका छोटी रखा करें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो मेहमान हैं उनकी भूमिका, वो जिस तरीके से कहा भी गया है कि सब धरती कागज करूं लेखन सब वन राय, तब भी कम पड़ जाए, तो मैं उसी भाव में करना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटे में बता रहा हूँ सबका परिचय उसके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद हमारी तरफ, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अनूप भार्गव जी हैं, आप नाम पढ़ रहे हैं उनका, अनूप भार्गव जी से मैं फिर उन्हीं लोगों को यहाँ पर लाना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं मन ही मन आज के दिन में इस हिंदी को एक पखवाड़े के तौर पर रख के भूल जाना चाहते हैं, या हिंदी को फैशन बना के सिर्फ एक दिन गले में लटका के माला की तरह भूल जाना चाहते हैं। मैं उन सबसे फिर ये कहना चाहूंगा कि एक बार अनूप जी के बारे में मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर गलत नहीं हूं तो कम से कम 40 वर्ष उनको हो गए अमेरिका में, उससे अधिक हो गए होंगे, लेकिन उन 40 से 42 वर्षों के बीच उनको, जब मैं देखता हूं कि हमारे छोटे छोटे गांव से निकला हुआ लड़का शहर में आके अपने माता पिता का नाम लेते हुए कतराता है, उनको 40 वर्ष से अधिक हो गए अमेरिका में रहते हुए, और उन्होंने हमेशा हिंदी के लिए इतना काम किया कि आज बहुत से लोग जो ऑनलाइन घूम घूम के
दुनिया में वैश्विक हिंदी का झंडा बुलंद करते हैं, उसका नेतृत्व अगर कोई करता है तो इस समय अनूप जी करते हैं। अनूप जी ने निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया के 250 वॉलेंटियर जोड़े और वो पूरे दुनिया के साहित्य, पूरी दुनिया में भारत के साहित्य के कण कण को इकट्ठा करके एक सेतु का काम कर रहे हैं ताकि भारत की संस्कृति सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके, वो सम्मानित रह सके। हिंदी से प्यार है, उन्होंने बहुत उसका बहुत आसान सा नाम रखा। उनकी मूल रूप से वो राजस्थान से आए और उन्होंने उसके बाद अपनी राजस्थान वीरों की माटी कही जाती है, वीरों की भूमि कही जाती है। उन्होंने वीरता को भारतीयता के संरक्षण के तौर पे रखा और वो आज इस कार्यक्रम में हैं तो ये हमारे सबका सौभाग्य है, हम सबका गौरव है। उन्होंने 2014 में भी, मैं बताऊं, 2014 में उन्होंने झिलमिल अमेरिकन संस्था की स्थापना की। उन्होंने 2008 से 2011 तक इंटरनेट पर सबसे बड़ा जो संग्रह है कविताओं का, जिसको हम लोग बोलते हैं कविता कोश, वो उसको उन्होंने दिशा दिखाई, उसकी दशा तय की। लंबा परिचय है उन्होंने, मतलब आज भी अगर मैं उनसे बात कर रहा था, कल भी मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि रग रग हिंदू रग रग हिंदी उनका स्वभाव है। स्वागत है अनूप सर आपका हमारे साहित्य आज तक के साहित्य अड्डा पर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। बहुत आभार सर, आपने निमंत्रण को स्वीकार किया, मैं आपकी व्यस्तता को समझता हूँ। अब हमारे दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे एक बहुत मुस्कुराता सा चेहरा है, बहुत अच्छे तरीके से वो सबकी बातों को समझ भी रही हैं। आप, मैं आज इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस एक सिर्फ एक औपचारिकता ना बन के रह जाए, हम उसको ये समझ सकें कि इसके लिए कितना बलिदान देना पड़ता है, कितना प्रेम करना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है, कितने अपने मन को कंट्रोल में रखना पड़ता है, उसको संरक्षण उसको देना पड़ता है भाषाओं का। शार्दुला नोकजा जी आप देख रहे होंगे सिंगापुर से हैं हमारे साथ, वो भी मधुबनी बिहार से निकली थी, मैं ये बताना चाहूंगा। अभय सर हमारे मधुबनी, अभय सर हमारे बिहार से आए, शार्दुला जी भी बिहार से हैं और अभय सर मेडागास्कर में रहते हुए, मैं सुन रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो मेहमान है वो बिहार से हैं, मैं आप सबको बताऊं कि वो वहां रहते हुए बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। शार्दुला जी ने बहुत सारा काम किया है, उनको अगर मैं कहूं कि पहली बार तो उनको मैं विशेष अभिवादन इसलिए, अपना सर्वश्रेष्ठ अभिवादन इसलिए देना चाहूंगा कि वो हमारे साहित्य आज तक परिवार में आज पहली बार आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। वो लगभग 15 या 16 साल से सिंगापुर में हैं। उन्होंने उन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप सिर्फ सिर्फ इतना डालिए कि शार्दुला जी, शार्दुला डाल दीजिए, नो आप उनका सरनेम ना भी डालिए तो भी आपको विश्व की कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं मिलेगी जिस पर हिंदी का झंडा लिए हुए वो वहां न खड़ी हो, वो हिंदी का प्रचार और प्रसार के तौर पर, भारत की बेटी के तौर पर, गर्वोन्नत भारत के तौर पर अगर वो आपको न मिले तो आप मुझे बाद में सूचित कीजिएगा। उन्होंने वैराग से लेकर अनुराग तक उसका पत्रिका है, पुस्तक है, उसका कवर संपादन परिकल्पना की। दुनिया में ऐसी कोई विधा नहीं बची है साहित्य की जिसमें वो पारंगत ना हो, वो हर भाषा में बात करती हैं और वो इसलिए मैं उनका जिक्र इसलिए विशेष कहूंगा कि उन्होंने भाषा के तौर पर, अगर अनूप सर ने भाषा के तौर पर, अगर अभय सर ने भाषा के तौर पर एक राम सेतु का निर्माण किया तो शार्दुला जी वहां आती हैं जिन्होंने उस राम सेतु के बीच में उस मिट्टी उस रेत को बांधने का काम किया जो पत्थरों को जोड़ रहा था, उस रूप में मैं उनको यहाँ से प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी पत्रिकाओं का, पुस्तकों का संपादन कर चुकी हैं वो, तेल एवं ऊर्जा सलाहकार हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जिनसे भी आज मिला रहा हूँ यहाँ पर, इनको एक लंबा अरसा हो चुका है भारत से दूर रहते हुए। याद कीजिए अपने पड़ोस का वो लड़का जो 2 साल पहले गांव से आता है और आके कहता है कि हम नहीं जानते हमारे बाबूजी, ये नहीं नहीं देख के कतरा जाता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने उम्र गंवाई, उम्र खपाई अपनी पूरी पूरी, लेकिन भारत के झंडे को रखा। अगर आप देशभक्ति का कोई पैमाना तय करते हैं तो आज हिंदी दिवस पर श्रद्धेय राजेंद्र जी, जिनके नाम से, जिनकी स्मृति के तौर पर हम इस दिवस को मनाते हैं, आज उनकी आत्मा भी खुश होगी कि उन्हीं के बेटों ने कम से कम इस दिवस का मान रखा है, क्योंकि अभी भारत में तो बहुत काम बाकी है। तब जबकि एक राज्य कम से कम हिंदी विरोध के स्तर पर सरकारें बनाता हो,
एक राज्य सिर्फ हिंदी भाषियों के विरोध पर अपनी अपना राजनीतिक स्तर तय करता हो, तब हमारी हिंदी के इतने बड़े बड़े लोग जब हिंदी के लिए काम करते हैं तब उनका उनका योगदान, उनका विशेष योगदान बहुत बड़ा हो जाता है। शार्दुला जी, बहुत स्वागत है आपका साहित्य आज तक के साहित्य अड्डा पर। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया। आभार आभार। अब मैं अपने आपको अगले मेहमान की तरफ ले चलता हूँ। नीलू गुप्ता जी, मेरा सादर प्रणाम है। मैं उनको श्रद्धेय नीलू जी बोलूंगा, वो मुझसे बड़ी भी हैं। मैं उन औपचारिकताओं में नहीं पढ़ूंगा कि जिसकी वजह से हम सम्मान करने से कतरा जाते हैं, लेकिन नहीं, नीलू जी हमारी हम सबके सामने है। मैं उनको कई दिनों से कहीं कहीं पे सुन रहा था, कई दिनों से मैं उनसे संपर्क करना चाहता था। मुझे एक माध्यम मिला और आज मैंने उनको मैं यहाँ निमंत्रण कर दे पाया। मैं आपको बताऊं कि वो भी हरियाणा के फरीदाबाद से निकल करके कैलिफोर्निया अमेरिका में है और एक लंबा समय वो वहां पर बिता चुकी है, लेकिन वहां उन्होंने जो हरियाणा से, देखिए हरियाणा तो वैसे भी हमारे लिए वीरों की धरती है, हम इसलिए भी बोलते हैं, वीर राजस्थान के होते हैं और हरियाणा के हमारे वरिष्ठ वो लोग होते हैं जो पदक सबसे ज्यादा लेकर के आते हैं हमारे लिए। तो हरियाणा की उस धरती से वो गई और उन्होंने हिंदी के स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के रूप में जितनी सेवा हो सकती थी उन्होंने सम्मान के तौर पर वो अर्जित किया है पूरे विश्व से। और उन्होंने उनकी कहानी है, संग्रह है, एक सर्वे भवंती सुखना। आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मुझे कल ही कोई एक लड़का मिला, जान पहचान का ही था, उससे मैंने पूछा, वो बोला कि भैया मैं कहानी संग्रह छपवाना चाहता हूँ। मैंने कह रहे बहुत सुंदर है भाई, क्या है? बोले बस यही अपना थोड़ा गाँव वाँव का कहानी लिखे हैं उसमें। हमने गुड, क्या नाम रखना चाहते हैं? बोले मैं सोच रहा हूँ विंडोज रखूंगा। तो हमने कहा खिड़कियां रख लो। बोले नहीं, विंडोज रखेंगे, थोड़ा अलग फील होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर वो आज मुझे सुन रहे हो, कि एक लंबा समय देने के बाद, अमेरिका में रहने के, कैलिफोर्निया में रहने के बाद, अगर नीलू जी अपनी कहानी के संग्रह का नाम रखती हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, तो ये उस ऋषि परंपरा का सम्मान होता है जो भारतीय सनातन सभ्यता का बेस है, आधार है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्व मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। यही वो भावना है जो भारतीयता और संस्कृति और हिंदू और हिंदुत्व, इन सब और हिंदी, इन तीनों को जोड़ते हुए एक भारत को बनाती है। मेरा शत शत प्रणाम आपको, मेरा आपको बहुत सारा अभिवादन है। मेरे इस अभिवादन में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपका बहुत स्वागत है साहित्य आस्था के साहित्य अड्डा पर। मुझे मालूम है आपने 2500 देशों में और 100 प्रदेशों में बहुत सारा काम किया है। आपने आपने कम से कम 25 देश, सॉरी 2500 में बोल के, 25 देश और 100 से ज्यादा प्रदेशों में आपने बहुत ज्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार के तौर पर काम किया है। हजारों सैकड़ों कवि गोष्ठियां आपसे सुशोभित हुई हैं, आपका बहुत आभार। मेरा बहुत आपसे मैं विशेष प्रणाम भेजना चाहता हूँ, विशेष अभिवादन भेजना चाहता हूँ। नीलू जी, आपने इस अभिवादन को, मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया साहित्य आज तक पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, मेरे बेटे का नाम भी पंकज है तो। जी, मेरे लिए ये दूसरे गौरव, मुझे ये आप कह सकते, मैं मान सकता हूँ कि ये मेरे लिए दोहरे गौरव का विषय हुआ कि चलिए मैं कहीं तो जुड़ सका। अब हमारे साथ आप देख रहे हैं हमारी एक मेहमान जिनका परिचय रह गया, प्राची चतुर्वेदी रंधावा जी। प्राची जी को मैंने आपने भी साहित्य आज तक पर एक दो बार सुना है, आप सभी ने। प्राची जी को हमने, मैंने कम से कम, और आप सब ने भी, मैं कुछ लोगों ने शायद महसूस किया कि जब जब भारतीयता की बात आती है तो उनके रगों में उनका परिवार का जो सैनिक खून है, जो भारतीय सैन्य परंपरा का जो लहू है, उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है। मैंने उनको देखा है, उनके चेहरे की भाव भंगिमाओं को उस समय पढ़ा है जब भारतीयता की बात होती है और कम से कम हिंदी की बात होती है, तो प्राची जी किस तरीके से मुठ्ठियां भी भींच लिया करती हैं और वो उस परंपरा की परिचायक बन जाती हैं जो उनके परिवार की है, वो सैनिक परिवार से आती हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरप्रेनर के अलावा बिजनेस डेवलपमेंट, बहुत सारे काम करती हैं वो कनाडा के अंदर, वैंकूवर कनाडा से आती हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं भारत की सैन्य व्यवस्था पर लिखी हैं, भारत के वीरों पर लिखी हैं, भारत के संस्कारों पर लिखी हैं, भारत के
आचार विचार पे लिखी है, उन्होंने भारत पे लिखी है, मिट्टी पे लिखी है, सब जगह लिखी है। तो आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो को-फाउंडर हैं एक ऐसी संस्था सृजनी की जो पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी काम कर रही है। स्वागत है प्राची जी आपका साहित्य आज तक के हमारे इस कार्यक्रम में, साहित्य अड्डा पर। बहुत बहुत आभार आपका पंकज जी और पूरी साहित्य टीम का, जो मुझे पता है आप सब 2 रातों से सोए भी नहीं है ठीक से। इतना हिंदी का एक उत्सव जो आप मना रहे हैं उसकी बधाई आपको, और जितने भी आज दिग्गज जुड़े हैं उन सबको मेरा नमन, क्योंकि आप सबसे सीखने को मिलता है। मैं कहती हूँ आई एम अ लर्नर फॉर लाइफ। तो जैसे आपने बात करी लोगों की जो कहते हैं हमारी हिंदी ठीक नहीं है, मैं कहती हूँ मैं आज भी हिंदी सीख रही हूँ, इतनी क्या विस्तृत बात है, भाषा है, इसको सीखते रहिए सदा। बहुत आभार। बहुत स्वागत है प्राची जी। तो आइए हम लोग अपनी परिचर्चा को शुरू करते हैं, और मैं चलता हूं पहले अनूप सर के पास, क्योंकि उन्होंने बहुत बिना किसी मदद के, आमतौर पर इन चीजों में बहुत रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, मैं कहूंगा कि ताकत लगानी पड़ती है, जुटानी पड़ती है, बहुत ज्यादा संसाधन संसाधन जुटाने पड़ते हैं। लेकिन अनूप सर, अच्छा वैसे भी मैं कहता हूं कि ठीक है, आपने जुटाए और आपने हिंदी से प्यार है नाम का एक एक ऐसा समूह बनाया जिसमें आपने पूरे भारत के अलावा पूरी दुनिया को जोड़ रखा है, और मैं आपको जानकारी नहीं होगी, मैं उसमें चुपचाप बैठ के सब देखता हूँ, और मैं गर्व करता हूँ इस बात पर, मैं गर्व करता हूँ इस बात पर कि मैं उसी हिंदी की परंपरा का विद्यार्थी हूँ जिसका जिसकी यूनिवर्सिटी को, जिसके विश्वविद्यालय को आपने स्थापित कर रखा है। क्या आवश्यकता पड़ती है आपको इतना समय अमेरिका की रंगीनियां, खूबसूरती, वादियां, क्यों आपको लगता है कि आप हिंदी, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके एक समूह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 90s की, 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। आप आते हैं कंप्यूटर के एक, जब कंप्यूटर दुनिया के लिए अजूबा होता था, उस समय आप कंप्यूटर की दुनिया को खोल के बैठे थे अमेरिका में, और उस समय से आप, लेकिन जितने तरह तरह से ढूंढ ढूंढ के, आप जो बोलते हैं ना गढ़ किले जो होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हिंदी के किले स्थापित कर रहे हैं। आपको आराम, आपको नहीं लगता कि बस आप आराम करें, हो गया, क्या जरूरत पड़ रही है, मैंने तो इतना कर दिया, इसी में मेरा नाम चलेगा? धन्यवाद पंकज भाई। सबसे पहले तो मैं आपको आभार देना चाहता हूँ, आपसे जब मिलके बात करता हूँ तो मेरी कुछ ऊर्जा बढ़ जाती है हिंदी के प्रति। तो ये तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं सीधे जो आपने सवाल पूछे उनका जवाब देने की कोशिश जी करूंगा और बिल्कुल ईमानदारी से देने की कोशिश करूंगा। जी तो पहला सवाल तो जो आपने पूछा कि यहां पर आने के बाद हिंदी की जरूरत क्या है, तो वो बहुत सरल सा उत्तर है, और वो ये कि जब आप भारत में रहते हैं तो हिंदी आपके चारों तरफ बिखरी हुई है, आपको कोई सजग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हिंदी आपको छू रही है हर तरफ से। लेकिन जब आप मातृभूमि से दूर होते हैं, एक दूसरी जगह होते हैं, तो वहां पर सजग प्रयास करना जरूरी है हिंदी को जिंदा रखने के लिए ना। और हिंदी को जिंदा रखना क्यों जरूरी है, वो इसलिए कि संस्कृति जो है वो भाषा के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो अगर आप चाहते हैं, और ये बिल्कुल स्वार्थ की बात मैं कह रहा हूं, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी संस्कृति से जुड़े रहें, तो उन्हें भाषा सिखाना जरूरी है, और क्योंकि भाषा आपके चारों तरफ नहीं है इसलिए उसके लिए सजग प्रयास करना जरूरी है। तो क्या ये बात है। तो बिल्कुल सीधी सी बात हुई कि हिंदी के प्रति मेरा प्रेम क्यों बना रहा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी के प्रति प्रेम, तो इसमें भी मेरा ही स्वार्थ हुआ ना, कि मुझे हिंदी से प्रेम है, मुझे उसमें आनंद आता है, तो मैं जो भी कुछ करता हूं मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। मुझे एक शब्द अक्सर प्रयोग किया जाता है, हिंदी सेवी, जी तो बहुत अच्छा शब्द है, उसके उसके लिए बहुत अच्छी भावनाएं हैं, मेरा विश्वास है।
लेकिन मैं कभी अपने आप को हिंदी सेवी नहीं कहता, मैं हिंदी प्रेमी कहना अपने आप को पसंद करता हूं। और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है कि हिंदी की तो हम क्या सेवा करेंगे, हिंदी तो बहुत बहुत बड़ी है हम सबसे, है ना। मतलब इतने सालों से कितनी पीढ़ियों को उसने प्रभावित किया है। अगर आप आज की ही पीढ़ी लें और सबसे जो जो जिसको कहना चाहिए पैसिमिस्टिक अगर आप नंबर लगाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा बड़ी संख्या है जितनों को उसने छुआ है और कई पीढ़ियों को उसने छुआ है, है ना। तो हिंदी की सेवा करने वाले तो हम तो बहुत छोटी छोटी चीज हैं। और मैं अगर अपनी बात लूं तो मैं इसमें भी बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि हिंदी ने मुझे जितना दिया है, मेरी बिना कोशिश किए मुझे मिला है, उससे बहुत मिला है, बहुत स्नेह मिला है, बहुत सम्मान मिला है। अगर मैं अपने आप को सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्रामर तक सीमित रखता तो मैं एक साधारण सा आर्किटेक्ट बन जाता, साधारण सा एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन जाता और मुझे कोई जानता भी नहीं। लेकिन आज जो अगर मेरी पहचान है थोड़ी बहुत जो भी है तो वो हिंदी की वजह से है। तो ये कहना कि मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा। हिंदी ने मुझे मान दिया है, मुझे सम्मान दिया है, मुझे आत्मसंतोष दिया है, है ना। तो ये दूसरी बात हुई। अब अगर आप समय दें तो मैं कुछ अपने, जैसा आप, मैंने कहा कि मैंने बहुत सी योजनाओं पर काम किया है और वो सिर्फ इसलिए किया है कि मुझे उनमें आनंद आया। तो शुरुआत मेरी हुई थी ई कविता से, जो हमने 2003 में शुरू करी। उसमें करीब 1000 के करीब सदस्य उसमें जुड़े। अनुप सर, एक सवाल मेरा बीच में। हाँ। कि जब आप, क्योंकि आप तो बहुत पहले से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हिंदी के प्रति जितने भी आप काम जो भी कर रहे हैं उनको भी मेरे ख्याल से 3 दशक कम से कम हो चुके होंगे। जी जी जी, जी। तो जब आप एकदम शुरू कर रहे थे। हाँ, तो जब हमने ये जो ई कविता शुरू की थी तो उस समय इंटरनेट भी अपने शैशव काल में था, ईमेल भी बहुत अधिक नहीं हुई थी, यूनिकोड उस समय था ही नहीं जब हमने शुरू किया। तो क्योंकि मेरा जो पृष्ठभूमि रही है, मेरी शिक्षा रही है, वो तकनीकी क्षेत्र में रही है और हिंदी से मुझे प्रेम रहा है, विशेषकर कविता से, तो इन दोनों को मिलाने का प्रयास मैंने हर अपने प्रयास में मैंने यही किया है। तो ई कविता वही थी। कविता कोश आपने बताया, कविता कोश मैंने नहीं शुरू किया था लेकिन उसमें मैं 3 बरस तक जुड़ा रहा। जी, मैंने वही कहा, बाद हमने दिशा और दशा तय की, आपने उसकी दशा और दिशा तय करने में एक महती भूमिका निभाई। जी धन्यवाद। तो ई कविता रही, फिर कविता कोश रहा, फिर हम लोगों ने कहा कि अब हमें कविता और हिंदी से कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भाषा संस्कृति से जोड़ती है, तो हमने कहा कि और भी पक्ष जो हैं, जो संस्कृति के, जो कला के, और जैसे कि सिर्फ कविता ही नहीं, उसमें नाटक भी आता है, संगीत भी आता है, नृत्य भी आता है, तो इन सब को लेकर हमने एक संस्था शुरू करी झिलमिल के नाम से, जिसने इन सब क्षेत्रों में अपने कदम रखे। और उसके बाद अभी जो जैसे कहते हैं कि अपना सबसे छोटा बेटा आपको अधिक प्रिय होता है, तो अभी जो 2 प्रयास मैं बात करना चाहूंगा। एक हमने शुरू की है कविता की पाठशाला, जिसमें कि करीब, जो एक्चुअली व्हाट्सएप समूह की सीमा होती है 250, हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं और हम लोग आपस में बिना किसी तनाव के, आनंद के माहौल में कविता को सीखते हैं, कविता की पाठशाला में। और अब अंतिम बात जो मैं आना चाहूंगा वो है हिंदी से प्यार है। तो ये मेरा सबसे नया प्रयास है, शार्दुला आप देख रहे हैं, उसके सहयोग से हमने शुरू किया। और इसमें विश्व हिंदी सचिवालय का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अपना वैश्विक समन्वयक नियुक्त किया। तो उनके सहयोग से, उनके उसमें हम लोगों ने हिंदी से प्यार है समूह की स्थापना की, जिसमें हमने कहा कि हम वो प्रयास करेंगे जिसके लिए हमें किसी सरकारी संस्था या अनुदान की आवश्यकता नहीं है।
हम ये नहीं कहेंगे कि इस संस्था को ये करना चाहिए या सरकार को ये करना चाहिए, हम इस बात पे बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और इसी के दौरान हमने कुछ जमीन से जुड़ी हमने कुछ योजनाओं को प्रारंभ किया जो कि बिना किसी सरकारी सहायता के हमने काफी को मूर्त रूप दे दिया है, कुछ आपके सामने आने वाली हैं। और अंत में मेरा जो एक संदेश होगा, मैं अगर ज्यादा समय ले रहा हूं तो मुझे रोक दें पंकज जी, लेकिन एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहूंगा जी 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 वो ये कि आप ये ना कहें कि हिंदी आपके लिए क्या कर सकती है, आप हिंदी के लिए क्या कर सकते हैं। और उसके मैं कुछ छोटे छोटे से उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक, आप जाइए और हिंदी में विकिपीडिया के कुछ पन्ने जोड़िए आप, क्योंकि एक जो बड़ी समस्या है अगर आप देखें कि अंग्रेजी में, और अंग्रेजी को तो आप छोड़िए, दूसरी ऐसी भाषाएं जो बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती हैं उनमें पृष्ठ अधिक हैं विकिपीडिया में, तो आप जाइए और विकिपीडिया में कुछ पृष्ठ आप बनाइए। अगर आप वेबसाइट नहीं बना सकते तो बहुत सी वेबसाइट हैं जहां पर और सामग्री जोड़ने की जरूरत है। कविता कोश को ही आप लीजिए, बहुत सी कविताएं उसमें हैं लेकिन बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, तो उसमें आप प्रयास कीजिए, उसमें नए पन्ने जोड़िए। तो ऐसी ही बहुत से प्रयास हैं जो आप स्वयं बिना किसी की सहायता के आप कर सकते हैं, और हिंदी के लिए आपका यही योगदान हो सकता है, यही आप इसमें सार्थकता है। तो अंत में मैं एक बात से अपना बात को खत्म करना चाहूंगा, ये बात मेरे दिमाग में कल ही आई और मैं इसे हिंदी दिवस के सूत्र वाक्य के रूप में छोड़ना चाहता हूं, और बड़ी सीधी सी बात है कि हिंदी की बात न करें। हम हर हिंदी दिवस पर सुनते हैं, भाषण सुनते हैं बहुत से, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, तो मेरा बस सीधा सा सूत्र वाक्य ये हो कि हिंदी में, हिंदी की बात न करें, हिंदी में बात करें। क्या बात है, ये सूत्र वाक्य हम सबका होना चाहिए। और अभी हम लोग अनूप सर से बहुत सारी कविताएं भी सुनेंगे, बहुत सुंदर कविताएं हैं उनकी। लेकिन अभय सर, दुनिया आपके अंदाज की दीवानी है, आपके स्टाइल, मैं तो पिछली बार भी कह रहा था, मैं फिर कहूंगा कि मैं तो ईश्वर से कहूंगा कि किसी रोज आपके जैसा दिखूं मैं भी, लेकिन मेरे तो बाल बढ़ते चले जा रहे हैं पता नहीं कैसे, और पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी तो आपकी तरह दिखूं थोड़ा सा। और दूसरे विषय पर आते हैं, दुनिया आपकी, आपके स्टाइल को कॉपी करती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले कार्यक्रम के बाद कहा कि अरे ये फिल्म से थे, हॉलीवुड से थे। मैंने कहा नहीं, ये बिहार से थे और भारत का वह झंडा लेके पूरे विश्व में हमारे देश का नाम करते हैं, तब उनको समझ में कुछ। तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो ये हम लोग आपस में, हम लोगों ने बाद में इस कार्यक्रम की हंसी मजाक किया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको, आप जो लिखते हैं, जैसे आपने, मैंने बोला कि धरती का गान लिखा, धरती का गीत लिखा आपने, उसका 50 से ज्यादा मेरे ख्याल से भाषाओं में और 50 से ज्यादा देशों में उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसका अनुवाद हुआ। इसके अलावा आपको, आप कालिदास पर भी अपना काम करते हैं, आपको वो कौन सी बात, मैं जानता हूं कि आपके अंदर एक भारत धड़कता है और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर मन में कुछ धड़कते रहना फैशन के तौर पर जी, और सच में उसको धड़क, उसकी धड़कन के तौर पर दुनिया के सामने लाना, इन दो चीजों में बड़ा फर्क होता है। लेकिन आप उस फर्क को कभी सामने की तो बात छोड़ दीजिए, आपने हमेशा खुद दुनिया के सामने एक उदाहरण रखा है, कम से कम उन सब के सामने जो अंग्रेजियत के साथ, मैं अंग्रेजी को प्यार करता हूँ, मैं हर भाषा को प्यार करता हूँ, मुझे उर्दू मलयालम सब उतनी प्यारी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी मेरे मुझे ठोकर लग जाए या मुझे कोई दर्द हो तो मेरे मुंह से अरे मैया ही निकला हमेशा, तो मुझे लगता है कि जो दर्द की भाषा होती है वो हमारी सबसे समृद्ध और सबसे दिल के करीब वाली भाषा होती है, इसीलिए मैं हिंदी से प्यार भी करता हूं और उसी में बात करता हूं। मैंने अंग्रेजी से पढ़ाई की लेकिन हिंदी को चुना, और आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही मुझे भी एक विशेषता मिली हिंदी से बात करने की, तो मुझे उस पर गर्व नहीं है कि भारत में रह के अगर मुझे हिंदी में बात करने की विशेषता मिल रही है तो फिर कहाँ मिलती है मुझे और।
मतलब तो मुझे उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है ऐसी? आपको सच में लगता है कि हिंदी जो भारत की तरफ, अभी जैसे कि मेरी एक पीड़ा बातों में आई थी कि मैं इस हिंदी दिवस को तब पूर्ण मानूंगा जब इसको हम राष्ट्रभाषा दिवस के तौर पर मनाएं। जी तो आपको लगता है कि अभी बहुत, जो कि माइल्स टू गो, या बहुत सफर बाकी है, या हम लोग करीब पहुंच रहे हैं कि सच में हमने उन जगहों पर पहुंचना शुरू कर दिया है जहां पर अब से कम 50-60 साल पहले राजेंद्र जी छोड़ गए थे, जिनके जन्म दिवस के तौर पे हम हिंदी दिवस मनाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपको, आप इतनी सराहना करते हैं आपके आपके जो आपके शो में होते हैं, आपके जिनको भी आप आगंतुक अतिथि होते हैं उनकी आप इतनी सराहना करते हैं, ये ही सबसे बहुत यही आपका बहुत बहुत बड़ी खूबी है ये। और जो विश्व के एक कवि हैं रिल के, उन्होंने कहा है कि हमारा काम जो है वो है प्रशंसा करना, दुनिया की प्रशंसा करना, जो कुछ भी हम चारों तरफ देखते हैं उसकी प्रशंसा करना। तो प्रशंसा जो है वो पृथ्वी गीत जो है एक तरह से वो अपने वसुधा की प्रशंसा है, और हमें प्रशंसा करना चाहिए, अपने भाषा की प्रशंसा करनी चाहिए, अपने देश की प्रशंसा करनी चाहिए, और अपने पृथ्वी, अपनी जो ग्रह है उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। हम लोग जो है हजारों साल, 10,000 साल पहले, उससे भी पहले जो है मानव जाति जो है वो गुफाओं में रहती थी, और उसके बाद इतने समय में, आज से करीब 1945 में जो है हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बना लिया। तो एक बहुत लंबी दूरी जो है मानव जाति ने तय की है, और इस यात्रा के दौरान जो हमारी जो जो भारत की मिट्टी है उसकी जो खुशबू है वो जो मुंड को जो 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 उपनिषद है उसकी जो ये अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा उदार उदार चरित्राणाम चरित्र सुधैव कुटुंबकम, जो कुटुंब ये जो चीज है ये जो है कहीं और नहीं पाई जाती। ये जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है वो एक खुशबू है जो हमारी मिट्टी से आती है, और उसका जो सोचने का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। कई लोग इसको अनुवाद इसका ऐसे करते हैं जैसे कि मानव जाति जो है पूरी एक परिवार है, लेकिन जो संस्कृत का जो मूल है वो वसुधा है, वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधा जो है वो पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी का मतलब हुआ कि सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि जो जितने जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी जो पत्थर और जो सागर और महासागर हैं, सभी जो है एक परिवार है। तो ये जो आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं हम लोग, और उसके उसके मतलब कि तो सभी अपने आप में आत्मनिर्भर तो है ही हैं, लेकिन सभी एक दूसरे पर भी निर्भर हैं, परस्पर जो है निर्भरता है। तो इसको जानना और समझना, इसलिए जो है मैंने सोचा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो खुशबू है उसको पूरी दुनिया में फैलाया जाए, और मैंने पृथ्वी गीत लिखा 2009 में, उस समय मैं रूस में था, सेंट जी पीटर्सबर्ग में, और तब से आज तक उसका करीब 120 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और वो ये हमारे जो है मंगलेश डबराल जी जो हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको याद करना चाहूंगा आज, उन्होंने इसका अनुवाद किया था हिंदी में, क्योंकि मुख्य रूप से जो है ये अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ, तो ये जो है पृथ्वी गीत जो है उन्होंने अनुवाद किया, और उनका अनुवाद मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत सुंदर अनुवाद है उनका, जी और जो हमारी जो तो इस ये है पृथ्वी गीत, स्वागत। अलौकिक अलौकिक बागीचा, अलौकिक नीला मोती यह सृष्टि में सबसे सुंदर अपना ग्रह, सभी हाँ द्वीप
और सब सागर, सब वनस्पति, सब जीव यहां बराबर, पृथ्वी के सब प्राणी एक सूत्र में बंधे, कई संस्कृतियां पंथ विश्वासों में सधे, यह धरती अपना घर, हम सब इसके संतान, सब लोग, सब राष्ट्र यहां एक समान, सबके लिए एक, एक के संग सब हम, साथ साथ फहराते नीली धरती का परचम। मंगलेश डबराल जी के शब्द हैं ये, और ये जो है एक भाव है, एक 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 जो देखिए कविता और एक गान में अंतर ये होता है कि गान जो होता है वो पूरी सबके लिए होता है, जिसको सब समझ सकें, जिसको सब सब आत्मसात कर सकें, और इसमें वैसे शब्द हैं जो जो आज देखिए जो आज की स्थिति है, आज हमें एक वायरस ने समझा दिया कि एक भी व्यक्ति अगर पीड़ित है कोरोना से तो पूरी दुनिया जो है वो असुरक्षित है। तो इसका मतलब है कि जो हम एक जो है वो एक के जो इसका जो एक शब्द है सबके लिए एक और एक के संग सब हम, तो ये हमें ध्यान रखना होगा आज आज की दुनिया में। और आज जो हिंदी दिवस है, जो आपका प्रश्न था कि हिंदी जो है वैसी रही जो जिस जो राजेंद्र प्रसाद जी के समय की थी, तो मुझे लगता है कि हिंदी का जो है आज जो है हिंदी से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, जैसा अनुप भार्गव जी ने समझाया हमें कि कैसे उन्होंने छोटे से प्रयास से शुरुआत की और आज जो है वो बहुत बड़ा बन चुका है, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। आज देखिए आज हमारी जो ये काव्य गोष्ठी है हिंदी दिवस के अवसर पर, ये बिना स्ट्रीम यार्ड के संभव नहीं होती, तो टेक्नोलॉजी भी जो है हमारा साथ दे रही है, और हिंदी भाषा को ज्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं, भारत में ही नहीं बल्कि जो है कई देशों में हिंदी बोली जाती है दूसरी भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में, जहां जहां भारतीय हैं वहां हिंदी बोली जाती है, जहां जहां भारत के जो है भारत मूल के लोग रहते हैं वहां हिंदी बोली जाती है। आज हम लोग भी यहाँ हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, कई लोगों ने हिंदी में जो यहाँ के मेडागास्कर के लोग जो हैं वो लोग हिंदी में नमस्ते कह रहे हैं कि, और हिंदी में जो है वो कह रहे हैं कि हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हिंदी जो है वो हिंदी हिंदी फिल्मों के जरिए भी बहुत लोकप्रिय हुई है। एक समय था जब लोग वो स्कूल में लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहते थे लेकिन वो जरूर फिल्में जरूर देखना चाहते थे, तो उसके लिए हिंदी पढ़नी पड़ती है और हिंदी सीखनी होती है थोड़ी। तो मैं जहां जहां रहा हूं, चाहे रूस में, चाहे नेपाल में, चाहे ब्राजील में, चाहे मेडागास्कर में, लोग जो है हिंदी समझते हैं। यहाँ जैसे हिंदी के कई प्रोग्राम जो है, कई जो कार्यक्रम है टीवी पर आते हैं और लोग बहुत सारे सीरियल्स जो है हिंदी वाले, चाहे वो भाषा समझें पूरी तरह से या नहीं लेकिन उसको जरूर देखते हैं। और जब ब्राजील में था तो वहाँ पर भी एक प्रोग्राम था हिंदी का। तो जो मुझे लगता है कि हिंदी जो है अपनी ऊंचाई को छूने के रास्ते पर है। और मेरा जो मेरा एक छोटा सा ये कहना होगा कि हमें जो है मंजिल जो है, मतलब जो डेस्टिनेशन है, मंजिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें रास्ते देखने चाहिए। और जब रास्ते रास्ते ठीक होंगे, रास्ता जब सुदृढ़ होगा तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और ये हिंदी जो है मुझे लगता है अपने सही रास्ते पर है। धन्यवाद। यही यही मैं चाह रहा था कि ये बात आज सब तक पहुंचे, क्योंकि देखिए जो
अभी अनूप सर ने कही और जो अभय सर ने, दोनों ने जो बात कही वो हम सब यहाँ पे कहते रहते हैं। हमारे यहाँ श्रद्धेय श्री नित्य नारायण मिश्र जी हैं, वो बस एक ही बात कहते हैं, किसी से भी मिले, कोई भी उनसे पूछता है कि हम क्या करें, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम क्या करें, तो वो कहते हैं कम से कम अपना नाम ही हिंदी में लिख लो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। मैंने भी अगर हिंदी में अपना नाम लिखना शुरू किया था कम से कम 5 या 6 साल पहले, तो मैंने भी उन्हीं के आग्रह पे किया था। और मैं यहाँ पर या किसी भी जगह जहां मुझे अवसर मिलता है, मैं सबसे कहता हूँ कि आप शुरुआत तो करिए, कतरा के निकल जाना तो कोई कोई हल नहीं हुआ किसी बात का। हमारे मन में यूं हिंदी के दीपक जगमगाते हैं, हमारे मन में यूं हिंदी के दीपक जगमगाते हैं, यहाँ पर हम जलाते हैं, वहां पर आप जलाते हैं, बस इसी तरीके से हमारे दीपक जल रहे हैं हिंदी के, है ना शार्दुला जी? आपको सिंगापुर में रहते हुए आपको प्योर पोइट्री या कूल पोइट्री या आई लव इंडिया या व्हाट ए सटायर, कुछ ऐसा नाम नहीं मिला, आपने कविता ही रखा नाम। कविता ही तो इतना सुंदर नाम है कि मैं बहुत दिनों से अगर सोचता हूँ कि किसी कार्यक्रम का या अपनी किताब का या किसी का नाम रखूं, तो कविता ही तो मैं नहीं सोच पा रहा था इतने दिन से, मैं तो शायद आपसे वो चुरा भी लूंगा वो शब्द। कविता ही आप सिंगापुर में रहते हो, आपको क्यों नहीं रखा कि इट्स अ प्योर पोएट्री? ये तो बाबा तुलसीदास का है, वो हमेशा कहते थे कि मेरी क्या कविता ही है, ये इतना सुंदर शब्द है, ये संज्ञा और क्रिया और किसी भी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस शब्द का, उसकी कविताई अच्छी है, वो कविताई करता है, हम कविताई करेंगे, और मैंने कविता कविताई का कार्यक्रम है, ये एक ऐसा हरफन मौला शब्द है। और आप हमारा लोगो देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे लोगो में भी हम लोगों ने वर्ली आर्ट गाँव का एक पेंटिंग की तरह हमने लोगो बनाया है। तो जब आप बाहर होते हैं तो आपको अपनी जमीन इतनी याद आती है कि सब कुछ बहुत ऐसा लगता है कि जो है जैसा है उसको संजो ले, तो इसीलिए ये नाम कविताई जिसने हमको बहुत सुख देता है हमको, ये जो फन है। और उसमें मैंने जहां तक समझ पाया या पढ़ा, मैंने पता किया, आपने एक कम से और खास तौर पर विशेषतः मैं कहूँ तो कोरोना काल में बहुत अधिक लोगों को जोड़ा उसके माध्यम से। तो मैं फिर वही बात एक जानना चाहता हूँ कि क्या चीज, मैं वो बात अभी अनूप सर ने बताई, अभय सर बता रहे हैं उस चीज को, मैं फिर वो बात जानना, क्योंकि मैं ये बात महसूस करना चाहता हूँ खुद भी, और चाहता हूँ कि हमारे साथ जो तमाम लोग जुड़े हैं वो भी महसूस करें वो दर्द क्या होता है बाहर निकल कर, क्योंकि यहाँ हमें यहाँ बहुतायत में मिल गया, जैसे बहुत से लोगों को स्वतंत्रता की बात करना उन लोगों को के मुंह से सुनिए जो कभी उसका हिस्सा रहे, और आज के समय में हमें चाहिए आजादी को का एक अर्थ ही चेंज हो चुका है। ऐसे में वो दर्द क्या होता है, वो पेन क्या होता है जो आपको फिर से बारंबार मिट्टी की तरफ खींचता है, हिंदी की तरफ खींचता है? तो ये जो हमारा रोजगार है, जैसे मैं ऑयल एंड गैस में हूँ और मैं करीब करीब 25 देशों की यात्रा की है मैंने कंसल्टेंट के रूप में, तो जब आप इतना घूमते हैं कि आपको जैसे वो गुलजार का वो है कि एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वो समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है, ये आपके टाइम जोन, उस वक्त आपको सबसे ज्यादा याद आती है उस जगह की जहां से आपकी पहचान है, जहां से आप जुड़े हुए हैं। तो रोजगार में हमारा शरीर, हमारी समृद्धि वास करती है, पर जो आत्मा और मन है वो मेरे लिए तो कविता में वास करती है, और मैं चाह कर भी किसी और भाषा में लिख नहीं सकती। मेरे जो विचार हैं, मेरा जो गीत उतरते हैं मेरे ऊपर, वो हिंदी में उतरते हैं। और यहाँ जो अनुपदा बैठे हुए हैं, अनूप भार्गव जी, जैसे कहा गया है कि ये रहीम उत्तम, ये उपकारी के संग बाटन बारे को लगे जो मेहंदी के रंग, तो अनुपदा के साथ हमने बहुत काम किया है। यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग,
बाटनवारे को लगे जो मेहंदी के रंग। तो अनूप दा के साथ इनके हर उपक्रम में इनका साथ दिया है मैंने, और उससे ये हुआ। और मेरा काम भी मार्केटिंग का रहा, इंटरनेशनल मार्केटिंग का, तो साथ ये हुआ कि दोनों चीजें आती गई। मैं कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई की, तो इंजीनियरिंग के साथ जो भाषा से सुख मिला, जो भाषा से समझ आया कि जैसा दाने बोला कि एक है हमारा रोजगार, उससे हमें कुछ लोग जानते हैं मगर एक है, और कोई और क्यों जाने, हम खुद को स्वयं को पहचानते हैं हिंदी से, हिंदी से हम स्वयं का अन्वेषण कर रहे हैं, स्वयं को पा रहे हैं, स्वयं का परिष्कार कर रहे हैं हिंदी से। तो ये और जब आप अपना परिष्कार करना चाहते हैं या फूल बन के खिलना चाहते हैं, थोड़ी मिट्टी तो आपको डालनी पड़ती है, अपनी संस्था तो बनानी पड़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं दिनकर की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और हम सब हैं। एक बार ये मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आप तो शार्दुला लेखिका हैं, आप क्यों ये सब आयोजन करने और ग्रुप बनाने, और उसको इसके, आपको खुद जानते हैं, आप कह रहे हैं आप 3 दिन से आप लोग सोए नहीं है, तो आप जानते हैं कि अगर कोई ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन है तो उसको कितना मुश्किल, उसके लिए भी मुश्किल है ये सब करना। तब मैंने पढ़ा और मुझे समझ आया कि दिनकर ने एक छात्र सहोदर नाम की पत्रिका चलाई, बहुत काम किया। तो मुझे लगा जब जिन लोगों के लिए हम धूल धूल के समान भी नहीं है, जिनके सामने उन्होंने भी दूसरों के लिए इतना किया है, और खासकर मुझे लगता है जब 50 साल हो जाता है व्यक्ति, 50 साल के बाद उसे देने के मार्ग पे चलना चाहिए कि कैसे वो अपने देश के कविता का स्वर सुदृढ़ कर सके। और कोरोना काल में ऐसा हुआ है, आप जैसे आपने आराधना को कई बार बुलाया है, वो कविताई की सदस्य है, कोरोना काल में ऐसा हुआ है कि हमारे सिंगापुर से जो हिंदी का कविता का स्वर है वो इतना उभर के आया है, एक सेतु बन गया है कविताई, जो विश्व का काव्य मंच है और सिंगापुर का काव्य है इसके बीच में। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत कहोगे क्या मिलोगे, कहोगे क्या मिलोगे जब कभी भी तुम हजारी से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैंने यहाँ पर नाम लेने की कोशिश की है, कहोगे क्या मिलोगे जब कभी भी तुम हजारी से, सुभद्रा से कहोगे क्या कहोगे रामधारी से, यदि पूछा कभी हरियोद ने कि हालत क्या है हिंदी की, आपकी बात बहुत सही थी शार्दुला जी, और पंकज जी जब तक पंकज जी जुड़ गए हैं पुनः। नीलू मैम, आपको लगता है कि 75 वर्ष तो हम लोगों को की स्वतंत्रता को हो गए कम से कम, क्या कारण रह जाता है कि हमें, जैसे मैं आज एक कार्यक्रम में था सुबह, तो बहुत सुंदर बात थी कि वहां पर बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत किया गया था कि भाई ये फलाने साहब हैं, शर्मा जी हैं, इन्होंने हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम किया, ये नफीस साहब हैं, इन्होंने हिंदी के लिए बड़ा अच्छा काम किया, ये इन्होंने साल भर, ये पार्वती जी हैं, इन्होंने पूरे साल हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम किया। हमें खंडों में, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि हमने हिंदी के लिए कुछ काम किया, जबकि वो हमारे रग रग में बसी है, जबकि वो हमारे वाचन की, हमारे संप्रेषण की, हमारे हमारे जीवन शैली है, हमारे हमारी स्वतंत्रता की भाषा रही है हिंदी, हमारे संस्कारों की भाषा रही है हिंदी, और इस हिंदी ने अपने सम्मान को पाने के लिए हजारों हजारों वर्ष का सफर तय किया, फिर भी उसने अपने ऊपर कभी भी कमी नहीं आने दी। तब जो खंडों में आप भी देखती होंगी कि भाई इनने एक सप्ताह बहुत अच्छा हिंदी के लिए काम किया, एक साल लगातार इन्होंने हिंदी के लिए काम किया, वो आदत में क्यों नहीं आता हमारे? नीलू मैम जी, पंकज जी, हिंदी रग रग में बसी से प्रस्तुत हो रही है, तो उसको एक दिन में काम करें, एक साल में काम करें, एक हफ्ते में काम करें, वो बात कुछ समझ में नहीं आती। जो हिंदी में काम है हमारे श्रोतागण और दर्शकगण सभी, और
समस्त भारत में, विदेश में जो भी लोग हिंदी में काम कर रहे हैं, जिनको सचमुच हिंदी से प्यार है, आप दिन हिंदी काम कर रहे हैं, हमें तो 24 घंटे कम लगते हैं, पता नहीं। मैं तो सवेरे से जुटती हूँ और रात तक 6 बजे से लेके 12-1 बजे तक, तो फिर लगता कि दिन तो ऐसे ही निकल गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो हमें कि हम चाहते हैं कि हम कितना हिंदी को दे दें, हम क्या दे सकते हैं, हमें तो हिंदी दे रही है, लेकिन उस हिंदी को हम जैसे अपनी मातृभूमि की खुशबू को, अपनी खुशबू को हम रात दिन भी पाए कम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम देश में आकर हिंदी का काम है, ये हमें हिंदी की ही देन है कि उसने हमें ये समय दिया। हम जैसे श्री राम जी ने जब वापिस जाना था अयोध्या लंका से, तो उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी आसुधै कुटुम्बकम्। वो आनंद जो जन्मभूमि आता था वो हमें समस्त वसुधा में आ रहा है। हमें अमेरिका में आके ऐसा नहीं लगता कि हम भारत में नहीं रह रहे, क्योंकि हम भारत को अपने साथ ले आए हैं, हमने भारत को यहाँ के बसा। हिंदी को हम 24 घंटे भी काम करें तो काम है हमारे लिए, काशी 48 घंटे हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल निर्वाम। और मुझे लग रहा है कि मेरा नेटवर्क या तो गड़बड़ है या थोड़ी सी कहीं समस्या आ रही है तकनीकी। आप सबको मेरी आवाज आ रही है यहाँ पर? आ रही है, आ रही है जी। ठीक है, अच्छी आ रही है जी। जैसे बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं प्राची जी। जैसे एक विनोद सिन्हा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रशंसा हिंदी की खूब कीजिए, लेकिन वास्तविकता से अनभिज्ञ मत बनिए। विनोद जी, मैं यही एकदम आपसे भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक बार हिंदी की प्रशंसा तक तो आइए, क्योंकि आप अगर सच में प्यार करते हैं तो अपने नाम को विनोद सिन्हा, जो बहुत प्यारा, कितना सुंदर नाम है, उसे हिंदी में करके आप शुरुआत कीजिए। मैं तो कहता हूं कि वो जो झंडा जो जगह जगह पर लगाया जा चुका है, लगा रहे हैं आप हमारे मेहमान जगह जगह पर, आप क्यों नहीं उसका एक बीज बोते। मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको नाम को लेकर के सब जगह पोस्ट में लिखूंगा, लेख में लिखूंगा कि मेरे आग्रह पर आपने अपना नाम हिंदी में किया। तो आइए शुरुआत हम आप ही से करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ तो इस तरह से बात कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी सभी की आलोचनाओं का स्वागत है यहाँ पर, क्योंकि लेकिन बात जिस हिंदी की कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी या अनूप सर की या अभय सर की या नीलू जी की या शार्दुला जी की या प्राची जी की हिंदी नहीं है, वो हिंदी आपकी भी है। जो आपने सवाल हमसे किया वही सवाल हम भी आपसे कर रहे हैं कि क्यों है ऐसा। आप उस सवाल में हमारे साथ शामिल हैं, वो हमारा सबका सामूहिक सवाल है। नीलू मैम, एक बात आपसे और कहना चाह रहे थे, आपसे इनफैक्ट जानना चाह रहे थे, आपने हिंदी में अध्यापन का आप पर एक अच्छा अनुभव है, आपने काफी काम किया है, तो क्या आप देख पाती हैं कि समय के साथ हिंदी से जुड़ाव बढ़ा है लोगों का, या वो विस्तृत हुआ है उसका दायरा, जिसमें अधिक लोग अब सामूहिक रूप से शामिल हो पाते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और यही दिल के बहुत करीब है ये प्रश्न। मैंने कैलिफोर्निया में भाषा के रूप में कॉलेज में लेकर आए, यूनिवर्सिटीज में तो चलती है हिंदी, लेकिन किसी कॉलेज में नहीं थी, कॉलेज में उसकी भाषा में लेकर, और हमको 30-35 रखने होते हैं जो मुश्किल होते थे जुटाने, लेकिन अब 80 से ऊपर भी नंबर पहुंच गया है और एक चलानी पड़ रही नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है कि हम चला रहे हैं। जब हमने देखा, पहले मैं लोगों के घर पहुंचती थी, एडमिशन ले लो, दाखिला ले लो, कक्षा खत्म नहीं हो जाए एक बार हिंदी जाए, पूछती थी लोगों के, 30 लाना बहुत कठिन होता था, 30-35 दो विद्यार्थी कम हो तो डीन की मेल आ जाती थी, हिंदी चली जाएगी, अरे कैसे चली जाएगी, अगर हमारे अंदर आन है आन है तो हिंदी चली जाएगी, जाने दूंगी। मैंने खुशाम कर लोगों के फोन आते हैं, हमारे बच्चे को जरूर हिंदी में दाखिला दीजिए गुरु जी, मैंने कहा दूंगी, चाहे 3 क्लास करनी पड़े, 4 डीन की 2 भी पढ़ा लूंगी, और 10 लोग हैं पढ़ाने वाले, इतने मर्जी लोगों को लाइए। और हिंदी को एक और बात बता दूं, आप शायद आप नहीं जानते, मैंने हिंदी को इतना सरल करके पढ़ाया, कुछ मुश्किल है जब हम चाइनीज जापानी ऐसे अक्षर
कि देवनागरी में क्या है। मैं अपनी क्लास शुरू होने के पहले एक बात कहती हूँ, अगर आपको एक आड़ी लाइन, एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन, अगर आपको आपको आधी देवनागरी लिपि लिखनी आ गई, स्टूडेंट कहते क्योंकि हर अक्षर में टी बनता है, तो स्टूडेंट कहते अच्छा मैं जब आधी, मैं बिल्कुल आधी आ गई, घबराओ मत, आधी तो जी। मेरे पोते ने पूछ नाम अनी, अनी लिखा दादी श कैसे लिखूं याद, मैंने अरे 21 बना दे, 21 लिखना, 21 लिख दे अनीश बन जाएगा। यानी एक एक अक्षर को ऐसे पढ़ाया है कि उन जो विद्यार्थी, उनकी माओ ने भी मेरी क्लास ज्वाइन की देखने के लिए कि कैसा पढ़ा रही हूँ, या जो भी, मैंने उनसे बहुत पूछ, तारीफ मत करिए, सच में बताइए इसमें क्या कमी क्या, वो बहुत बहुत ही संतुष्ट थी। और जैसे ग लिखना है, एक टी बनाइए, एक आधी टी बनाइए, 1.5 leg, एक अमेरिका ग तो 1.5 leg याद आ जाता है, घ बनाना है, घ से घर होता है, एक छोटा लॉक, बाहर जाएंगे लॉक लगाएंगे, एक छोटा लॉक टी तो पहले बना दिया, एक छोटा लॉक लगाइए, एक बड़ा लॉक लगाइए, आपका घ बन गया, वापिस आएंगे ऊपर से खोल दीजिए, आपका द बन गया। आर र बनाना है, इंग्लिश का आर तो सबको आता है बनाना, आप तो रोमन बहुत जानते हैं, अरे आर लिख के देखिए कैपिटल आर, वहां से डंडी हटा के सिर पे लगाइए, आपका र बन गया। मैंने सारे क्या बात है, अ बनाना है, अ बनाना है, टी बनाइए, 1 2 3 तीन लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, अ बन गया। सारे अक्षर स्वर व्यंजन मैंने ऐसे बनाए हैं, ऐसे सिखाए हैं, तो हिंदी बहुत पॉपुलर हो गई है। 80-100 विद्यार्थी क्लास में आ जाने, हिंदी का बढ़ावा ही कह सकती हूँ, और ये हिंदी कृपा, प्रभु की कृपा कि हम यहाँ आकर, अपने विदेश से आकर, हमने विदेश में आकर हमने अपना देश बसाया। चिड़िया जब दाने चुपकर उड़ती है, जहां जहां दाने गिरते हैं पौधे उगाते हैं, वो पौधे हम उगाते हैं, आप सब उगा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी। मैंने मात्राओं का भी बहुत अच्छा ढंग निकाला है, मेरा सर्वश्रेष्ठ अभिवादन आप तक पहुंचे, क्योंकि सच में आपने एक दुर्लभ काम किया है। मैं पहले ही कह रहा था आज अपने सभी साथियों से जो साहित्य अड्डा पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आज का जो दिन है वो स्पेशल है, विशेष है, बहुत विशेष है, क्योंकि आज आप उन लोगों को, मैंने पहले ही कहा था कि आज आप उनसे मिल रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत और भारतीयता की मशाल लेकर जो खड़े हुए हैं। हालांकि इसी बीच मैंने देखा कि बहुत सारे मैसेजेज आए, उसमें पहला जो हिंदी का मैसेज आया अच्छे तरीके से, वो आया मनचाहा प्यार कैसे पाएं, समत बंगाली मिले या लिखें। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि साहित्य के साथ साथ हम सामाजिक भी कार्य कर रहे हैं, यहाँ से हम जितना धन एकत्रित हो पाता है भारत में साधनहीन बच्चों की शिक्षा के लिए भेजते हैं, 50,000, 60,000, 70,000 डॉलर तक हम हर साल भेज रहे हैं। चित्रकूट में हमने बहुत से बच्चों के डे केयर बनाए हैं, और 600 बच्चों को हम बुंदेलखंड में पढ़ा रहे हैं, और मेरी अपनी फैमिली की, परिवार की एक संस्था फरीदाबाद में है, आप कभी जाके देखिए साईधाम.in, जहां पर 2000 बच्चे भोजन करते हैं और पढ़ रहे हैं हिंदी, और उनका तीवरी का उनका रिजल्ट 100% आ रहा है। तो क्या बात है, ये तो एक यज्ञ हुआ, और सच में आपने इसमें बहुत अच्छा काम किया, और इनफैक्ट वास्तविकता ये रहेगी कि हम लोग इस पर आपसे फिर एक अलग से भी अब एक चीज बात करेंगे, ताकि इस पर हम लोग और मिलके क्या कर सकें। प्राची जी, देखिए मेरे आग्रह पर हमारे लंदन में रहने वाले हमारे साहित्य अड्डा परिवार के सदस्य आशुतोष जी ने अपना नाम हिंदी में कर दिया, बहुत बधाई आशुतोष जी, और मैं आपको यहीं से वंदन करता हूँ, क्योंकि भारत में मैं सिर्फ यही कहता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा किसी से अधिक कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई, अरे तुमसे क्या पड़ी, अपना काम देखो, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ हाथ जोड़ के, अपना नाम हिंदी में कर लीजिए, बस आगे ईश्वर आपको और लेके जाएगा, जब आप हिंदी में जाएंगे लेकर तो हिंदी में लोग आपसे पूछेंगे। प्राची जी, आपने तो शुरू से ही नाम हिंदी में रखा, मेरा आपका परिचय हुआ उसके पहले से भी, आपको, आप जब जाती हैं लोगों के बीच में, आपका वहां पर एक समाज स्थापित हो चुका होगा, तो वहां पे जब आप लोगों से बात करती हैं, तो कभी आपको हीन भावना लगी, या कभी किसी रूप में आपको लगा कि मैं सिर्फ हाईफाई इंग्लिश बोलूंगी या कोई और भाषा बोलूंगी, मुझे हिंदी से थोड़ा बचना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर
दूसरे तरह के लोग हैं, ऐसा लगा क्या कभी आपको? बहुत सुंदर सवाल है पंकज जी आपका, और मैंने एक कविता जो लिखी है हिंदी दिवस पर उस पर भी इसी भावना की बात करी है जो लोगों में आ जाती है। तो मेरा तो ये कहना है कि है गर्व कि भारत की बेटी बन, विश्व विजय करने का जज्बा है, न शिकन है माथे पर न डर कोई, जिस धड़कन में भारत बसता है। तो जब आप ऐसी सोच के साथ चलेंगे तो आप अपनी कर्म की भाषा जो है अंग्रेजी उसको भी उतनी ही ईमानदारी से सीखेंगे, उसको भी इतनी दृढ़ता से सीखेंगे जैसे आप हिंदी को सीखते हैं। और क्या बात है? मुझे लगता है ये बहुत, मुझे हिंदी बोल के हीन नहीं महसूस होता कभी भी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये मेरी माँ की भाषा है, और माँ की लोरी हो, माँ की जो बात हो, वो हमेशा आपको बहुत ही दृढ़ता देती है, आपको बहुत मजबूत बनाती है अंदर से। तो इसे कैसे छोड़ दूं, ये तो मेरी जड़ें हैं, अगर मैं अपनी जड़ें ही काट दूं तो मैं कहाँ पनप पाऊंगी। वैसे ही अंग्रेजी मेरी काम की भाषा है, तो उसको भी मैं हीन भाव से नहीं देखती कि पराई है। ये वो भाषा है जो हिंदी को और हिंदी अंग्रेजी को एक दूसरे को सेतु की तरह बाकियों से मिलवाती है। जब मैं एक रुडयार्ड किपलिंग की पोएम जो इफ है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके कई बच्चों को बताती हूँ उसका अर्थ, या हिंदी की जो है अपने दिनकर जी की कोई कविता इंग्लिश में बताती हूँ उसका अर्थ, तो मैं उस भाषा को आगे बाकी देश भर में उसकी जो पहचान है उससे थोड़ा और बढ़ा पा रही हूँ। भाषा इतनी बड़ी है जैसा अनूप सर ने कहा, तो वो कोशिश हमें करनी जरूरी है। कि अभय सर ने बोला कि ये जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस हो गया है, और नीलू जी के तरीके देखिए हिंदी सिखाने की कि कितना हाँ। आज के बच्चे समझेंगे वही कि आर में कहाँ डंडा लगाओ, ये करो, उस तकनीक को लेके चलना। और पर जो मुझे अनूप सर की बात बहुत अच्छी लगी कि आप कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, आप जाइए विकिपीडिया पे हिंदी में प्रश्न लिखिए, हिंदी में कोरा पे जाके कोरा फोरम पे करिए, वो करना, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। कोशिश यही है, वो करते रहे, और जब आप हिंदी से जुड़े रहेंगे, अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, तो पंकज जी माँ की बोली पर तो कभी हीन भावना आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा प्राची जी आपने, क्योंकि अक्सर लोगों ने, मैंने कहा भी कभी कि भाई आप कैसे देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि हिंदी हमारी माँ है लेकिन अंग्रेजी हमारी मौसी भी है। तो हम कहते हैं तो आप जैसे मौसी से प्यार करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी माँ से नहीं प्यार कर सकते तो आप मौसी से प्यार क्या करते होंगे फिर। तो मेरा ये मतलब होता है कि पहले माँ से प्यार कीजिए, मौसी से भी प्यार कीजिए, क्योंकि हमारी तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो तो प्यार की ही है, वो तो संस्कार की ही है, वो तो समावेशी ही है। बिल्कुल, हम तो कहते हैं पंकज जी वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। अभी कितना सुंदर अभय सर ने पूरा उसको बोल के हम लोगों के सामने रखा था कि अयम निजा परावेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अरे कितना सुंदर दर्शन है विश्व में। आप सोचिए कि 1 अरब लोग हैं पूरे उसमें जो हिंदी लिखते बोलते पढ़ते और समझते हैं, फिर भी हम अपने ही कतरा जाते हैं। अनूप सर, अब मैं चाहता हूं कि अब हम लोग देखिए, आज की तारीख मैंने अभी नोट की, 14 सितंबर 2021, मैं इसलिए याद रखूंगा कि अभी अभी लंदन से आशुतोष जी ने अपना नाम हिंदी में किया, देवनागरी में उन्होंने किया, और उसके बाद आशीष मिश्र जी ने ब्रिटेन से अपना नाम अभी अभी किया, और अभय सर का नाम अभी तक अंग्रेजी में आ रहा था, वो भी हिंदी में हुआ। तो यस, मतलब हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है, और मैं बहुत स्वागत करूंगा। विनोद सिन्हा जी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं इसमें, मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होते होते हम विनोद जी का नाम भी अभी हिंदी में देखें, और मैं यहीं से बताऊं, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से भी हमारे साथ, हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, साहित्य आज तक से जुड़े हुए लोग हैं। सैयद मोहम्मद जैद साहब हैं, जितेंद्र भारद्वाज जी हैं तंजानिया से, बहुत लोग हैं, आशुतोष जी तो हैं, आशीष जी हैं, डॉक्टर प्रशांत देव मिश्र हैं, हमारे श्रद्धेय श्री अनित नारायण मिश्र जी हैं, जो दुनिया में घूम के एक ही बात कहते हैं, नाम हिंदी में कर लो, मैंने भी उन्हीं के कहने पे किया था। तो आइए उसको थोड़ा सा अब और लेके चलते हैं, कविताओं की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। अनूप सर, अनुमति है? स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। तो चलिए, मैं तैयार करके नहीं आया था लेकिन कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं। तो
चलिए, मैं क्योंकि तकनीकी से जुड़ा हुआ हूं और कविता मेरा पैशन है, तो मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं अभी हाल ही में, छोटी छोटी सी, गूगल के नाम। आहा, क्या बात है। तो वो मैं सुनाना चाहूंगा। तो गूगल से मैंने कुछ प्रेम कविताएं लिखी हैं, तो उसका जरा सा आप देखिए। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारा नाम गूगल है, क्योंकि तुम में वो सब है जो मैं अक्सर ढूंढता रहता हूं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक और देखिए कि मेरा प्रश्न पूरा करने से पहले ही 3 सुझाव और 6 उत्तर। तुम ना सचमुच में गूगल हो। बहुत सुंदर। कि मैं जिंदगी का हर एक कठिन प्रश्न गूगल से पूछने के बाद तुम्हारी ओर देखता हूं, और अक्सर तुम जो भी कहती हो वही सच मान लेता हूं। गूगल, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत गहरा है कि सुनो गूगल, ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। सुनो गूगल, ऐसा नहीं कि मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी एक लंबे एकांत और चुप्पी के बाद बस तुमसे बात करने को जी चाहता है। क्या बात है। बहुत सुंदर। और अब एक अंतिम देखिए कि सुनो गूगल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने। सुनो गूगल, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास, तो फिर बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात सर, अद्भुत कविता, अद्भुत कविता, अलौकिक। तो ये जरा गूगल से चुहल करने की कोशिश की थी। क्या सुंदरता से आपने बात कही, वाह, आनंद ही आ गया, वाकई आनंद आ गया हम सबको। और अभय सर, पिछली बार हमने आपसे खूब सुना भी था जी, आपसे जी कुछ छोटी छोटी कविताएं सुना देता हूँ। जी स्वागत है। ये जैसा कि अनुप जी ने बताया, गूगल, ये भी गूगल से ही पूछ लिया जाए। मृत्यु, तुम थोड़ी मृदु हो सकोगी, शायद गूगल को फ्यूचर के बारे में मालूम। मैं जानता हूं कि जीवन हमेशा के लिए नहीं है, ये कहीं से नहीं आता और कहीं भी नहीं जाता। मैं पूरा सच जानता हूं, जो कि अंतिम सत्य है, मृत्यु। क्या तुम थोड़ी नरम, शांत, मृदु हो सकोगी। वाह 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 वाह। और इसी से जुड़ा हुआ एक, जो कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें जो एक जो ऐसी धारणा है कि आत्मा जो है अमर होती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, जिसको जो संस्कृत में है ऐसा। तो ये इसी के जो है आधार पे मैंने ये सोचा था कि अगर आत्मा अपने बारे में कोई गीत लिखती तो क्या कहती। और ये है, मैं हमेशा यही था, जैसे बहती हवा, झड़ते पत्ते, चमकता सूरज, बहते झरने, चहकती चिड़ियां, खिलती कलियां, जैसे नीला आसमान, शून्य अंतरिक्ष। मैंने कभी जन्मा नहीं मना। आहा,
ये दो हैं कविता, आई थिंक मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत सुंदर। अभय साहब वाकई मैं आप लोगों की कविताओं में से कुछ कुछ चीजें कभी कभी उठाऊंगा, कोट करूंगा, आपके नाम के साथ करूंगा, बिना नाम दिए नहीं करूंगा। मैं शायद इंग्लिश के महान कवि हैं टीएस एलियट, उन्होंने कहा जी, कि जो जो छोटे कवि होते हैं वो जो है वो मतलब कि कुछ प्रेरणा से इधर उधर लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बड़े कवि होते हैं वो पूरा चुराते हैं। तो वो मेरे बारे में आपको मेरी शुभकामनाएं पंकज जी। नहीं मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ आज थोड़ा सा, इसलिए कि मैं एक बहुत वृहद रूप से कविताओं के भी आज यहाँ पर बहुत दिनों के बाद एक संपर्क बांध रहा हूँ। आप जो आप पहले पिछले साल आए थे, अनूप सर आप भी आए थे, मैं बताऊं कि हमने आपके साथ जो उस समय वादा किया था कि हम इस लौ को बुझने नहीं देंगे, हमने तब से अब तक उस कार्यक्रम को कंटिन्यू अभी तक निरंतर हमने यहाँ पर जो है जारी रखा है और चक्र घूम कर वहां आया है जहां हम आपके साथ फिर बैठे हैं आज। शार्दुला जी, जब आप कविताई की तरफ जाती हैं या आपका मन, क्योंकि हमने तो सुना है कि सिंगापुर का तो मौसम भी बड़ा खूबसूरत होता है एक तरह से, हमारे तो गाने भी बने हैं कि सिंगापुर की शाम और पता नहीं क्या क्या सिंगापुर को लेके, हमारे यहाँ तो लोग तुलनाओं में कह देते हैं कि हम इस शहर को सिंगापुर बना देंगे, तो हम सब सिंगापुर को उस रूप में बहुत महसूस करते हैं, देखते रहते हैं और निश्चित तौर पर बहुत सुंदर है। उस सुंदरता को जब आपका कभी मन ओढ़ता होगा, बिछाता होगा, कभी कभी आप उसे पीती होंगी घोल के, या ओस वहां की कैसी होती होगी, हमारे मनों के सवाल हैं ये, वहां की चिड़िया क्या हिंदी में ही चहचहाती हैं जैसे हमारी करती हैं, या कुछ और उनका रूप रंग होता है, कैसा होता है आपके मन में, क्योंकि आप कविताएं लिखती भी हैं, तो वहां और यहाँ क्योंकि आप दोनों जगहों के साथ हैं, तो आपका कवि मन कैसे न्याय करता है या क्या बोलता है उस समय? जो चिड़िया है वो तो सच है कि जितना मैं भारत में कभी चिड़ियों को उतना नहीं अपने घर में चिड़िया सुनती हूँ। खुशी की बात है कि हर पेड़ है मेरे घर में, अमर जो हमारा कॉन्डोमिनियम है, अमरतार है, पारिजात है, बेला, मोगरा, चमेली, सब कुछ है यहाँ। तो जो कविताएं हैं मुझे भारत से यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ है यहाँ पर जो कि भारत है, तो ये ट्रॉपिकल देश ना, इसलिए बहुत मिलता है, आरती भी बहुत है यहाँ। वैसे तो मैंने एक स्त्री स्वर की कविता चुनी थी, पर आपने जब मौसम की सबकी बात की तो मैं एक कविता सुनाती हूँ गुलाबी, जो आसान कविताओं में से है मेरी, और आप देखेंगे कि क्या क्या गुलाबी होता है। तो मधुसूदन के हस्त गुलाबी, ब्रज की गोपी मस्त गुलाबी, गोमुख गोपद धूल गुलाबी, काली जमुना कूल गुलाबी, राधा की चिर प्रीति गुलाबी, नटवर की हर नीति गुलाबी, मधुर गुलाबी जसमत प्यार, बंधे कनाही जिससे हार, कृष्ण को उससे कहाँ बांध सकती थी, तो खाली यशोदा के प्यार से कृष्ण बंध गए, तो मधुर गुलाबी जसमत प्यार, बंधे कनाही जिससे हार, नयन अधर नख गाल गुलाबी, गुलाबी। और अब यहाँ पर जो मौसम आ जाता है, नयन अधर नख गाल गुलाबी, बहकी लहकी चाल गुलाबी, फूल कली नव पात गुलाबी, खासियत है कि यहाँ ऐसा लगता है जैसे हर समय बसंत हो, क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है, नवांकुर से जो जमीन सिमटी रहती है हमेशा, और नए नए पल्लव पेड़ों पे हमेशा लगे रहते हैं। तो फूल कली नव पात गुलाबी, गई शाम बरसात गुलाबी, संता लहराता आंचल,
सिक्त किरण चमकाता बादल, पंख शंख परवाज गुलाबी, गीत सदा आवाज गुलाबी। क्या बात है, ये कविता हमारी भाषा की दिखाती है कि कितना एक रंग हम कितनी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब प्रकृति से घर की ओर चलते हैं। प्रथम प्रणय की आंच गुलाबी, पिया मन की सांझ गुलाबी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नन्हे पग, अब पिया से मिलन है तो फिर क्या होगा कि नन्हे पग और स्मित की रेख, हल्का सीमा जिसको देख, शिशु तो लाल हम लाल गुलाबी। जीवन क्या बात है, जीवन कुछ साल गुलाबी, पूरा जीवन तो किसका गुलाबी हुआ है पर जीवन के कुछ साल गुलाबी, बिटिया से हर द्वार गुलाबी। बिटिया इसमें कहीं भी गुलाबी का ऐसा इस्तेमाल नहीं है जैसा कि आप बोलचाल में नहीं करेंगे, तो ये हमारी भाषा की ताकत है। बिटिया से घर द्वार गुलाबी, रीति व्यवहार गुलाबी। हमारा जो गुलाबी रंग है सारी रीतियों से बंधा हुआ है, गुलाबी और पीला दोनों। रीति रस्म व्यवहार गुलाबी, फिर हम घर में आए हैं तो किचन में चलते हैं, हाय काट के प्याज गुलाबी, हाय काट के प्याज गुलाबी, हो गई आंखें आज गुलाबी, गोभी शलजम और तरबूज हुए गुलाबी कुछ अमरूद। दादी कंद गुलाबी, पान बीच गुलकंद गुलाबी, दादाजी की पाग गुलाबी, होते कुछ कुछ साग गुलाबी। अब ये सब इस रंग का सौंदर्य है, मगर हर एक रंग का एक असौंदर्य वाला भाग है। तो क्या होते कुछ घाव गुलाबी, चढ़ता ज्वर और ताव गुलाबी, और गुलाबी पच्ची थाम, जो पिंक स्लिप्स होते हैं जो कि बेरोजगार हो जाते हैं उनको पिंक स्लिप्स मिला करते हैं, तो और गुलाबी पर्ची थाम, छूट गए जिन सबके काम, क्या उनके हालात गुलाबी, बीवी करती बात गुलाबी। सुंदर ये रंग, सुंदर प्रकृति ये रंग, लालच कर देता सब भंग, आप कहें क्या और गुलाबी, वस्तु कार्य या ठौर गुलाबी। अनुप जी के लिए गूगल गुलाबी। मेरी आज साड़ी भी गुलाबी है। इसको इसको कविता में करना है तो गूगल के भी गाल गुलाबी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने नाम हिंदी में देखी करना शुरू कर दिया है देवनागरी में, मेरा सौभाग्य। मुझे लगता है कि हम सफल हो रहे हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। शारदुला जी, जब बात गुलाबी आ जाए और मौसम भी छिड़ जाए तो वो नारी स्वर जो आपने छोड़ दिया उसे छोड़ देना ठीक नहीं है। थोड़ा लंबा नहीं, ठीक है, मैं खुशी से सुनाऊंगी। वो लिख रही लड़की कविता का शीर्षक है, और जितना मैं और लड़कियों से संबोधित है उतना मैं संबोधन अपने आप से भी करती हूँ, एक बार बार अपने आप को समझाती हूँ। लिख रही तू गीत लड़की, ले कलम में स्वेद भर ले। लिख रही तू गीत लड़की, ले कलम में स्वेद भर ले, छोड़ तू भाषा नयन की, कर्म का उल्लेख कर ले। छोड़ तू भाषा नयन की, कर्म का उल्लेख कर ले, आंकलन करता प्रतिष्ठित रूप तेरा ताकते हैं। आंकलन करता प्रतिष्ठित रूप तेरा ताकते हैं, बाहरी सौंदर्य के पैमान से तुझे आंकते हैं। तू नहीं जड़ वस्तु, तू नहीं जड़ वस्तु, तेरे माप के क्यों आंकड़े हो, तू नहीं जड़ वस्तु, तेरे माप के क्यों आंकड़े हो, प्रश्न हो तेरे नुकीले, हौसले तेरे बड़े हो। प्रश्न हौसले बड़े बड़े हों, रूप तो रेहन प्रणय की, रूप तो रेहन प्रणय की, देह भी देयन समय की,
आग तेरी भीतरी जो राह तेरे उन नयन की, वाह, वो खगों के साथ उठकर जो प्री है वो घर में सबसे पहले उठती है और रात में सबसे बाद में सोती है। तू खगों के साथ उठकर खींच घर में भोर लाती, थपकियों की बुंद दुशाला रात में सबको सुलाती, अब तलक फिर ऊंघती क्यों तेरे हिस्से की सफलता, अब तलक फिर ऊंघती क्यों तेरे हिस्से की सफलता, काम करके दो गुना भी यह एकल का न मिलता, फूल मत बन शूल मत बन, शूल बनने की भी क्या जरूरत है, क्या बात, फूल मत बन शूल मत बन किसी के अनुकूल मत बन, क्या बात है, वाह बहुत बहुत सुंदर, किसी के अनुकूल मत बन, कमर कस ले पढ़ विकस ले और वो कर जो कहे मन, और वो कर जो कहे मन, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वाकई में, अपने दोनों कविताएं बहुत शानदार थी, बहुत आनंद आया हम लोगों को। प्राची जी, मैं आपको बताऊं कि अधिकतर लोगों का नाम हिंदी में हो रहा है, मुझे अभी भी विनोद सिन्हा जी के नाम की प्रतीक्षा है, उनका अभी अभी मैसेज आया है, मैं उनका नाम चाहता हूँ कि कार्यक्रम समाप्त होने तक हम लोग हिंदी में देखें, और मैं यहीं से घोषणा करूँ, अशोक राठौर जी हैं हमारे साथ यहाँ पर, मतलब भारत के भी तमाम कोने से लोग जुड़ चुके हैं, सविता गर्ग साबी जी हैं पंचकुला से, सारिका पंकज जी हैं वो उद्घोषिका हैं ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में, हमारे साथ डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी हैं जर्मनी से वो जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ आशीष मिश्रा जी हैं लंदन से वो हैं, मतलब हमने भी कोशिश की है कि इन छोटी छोटी खिड़कियों में हम संसार को समेटें। तो नीलू मैम के पास चलते हैं पहले, और मैम सच में मैं बार बार चाह रहा हूँ कि मैं कोई एक अच्छा उद्बोधन या संबोधन करूँ, मैम शब्द मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है नीलू जी, ठीक है, मैम नीलू दीदी भी कह सकते हैं आप, हम लोग नीलू दीदी भी कहते हैं, हम नीलू दीदी बोलते हैं आपको, तो नीलू दीदी मैं आपसे जो कहना चाह रहा था कि आपने लगभग हर विधा में लिखा है, हर रंग पे लिखा है, और आपने तो सच में आज ऐसी जो पाठशाला रखी है हम लोगों के सामने, उस पर हम लोग एक अलग से आपसे चर्चा करेंगे उसके बाद, लेकिन जो गीतों में आपकी कविताओं में ये कैसे आता है, ये सब कुछ कैसे समाती हैं आप? मैं तो कुछ समा नहीं पाती हूँ, ना मैं अपने को इस लायक समझती हूँ, मुझे तो बस हिंदी से प्यार है, जो भी कुछ कहती हूँ मन के भावों को व्यक्त करती हूँ, बहुत सुंदर नहीं कर पाती हूँ अनूप जी की तरह, बहुत अच्छा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी जानती हूँ आप सबकी तरह, लेकिन एक बात अभी शारदा जी मेरे से पहले बोल के चुकी हैं, तो मैं यही कहूंगी कि शारदा जी का खुद गुलाबी हो गुलाबी और मेरी हिंदी गुलाबी मेरी हिंदी जी, मैं तब से यही सोच रही थी कि मैं यही बोलूंगी कि मेरी हिंदी गुलाबी, हिंदी गुलाबी है इसमें कोई शक नहीं, और मैं हिंदी के बारे में थोड़ा सा फिर बोल दूं, ने प्रेम का धागा हिंदी एक सूत्र में बांधे हिंदी, देखिए आप ना कोई बड़ा अक्षर ऊंच नीच का भेद मिटाती हिंदी, ऊंच नीच का भेद मिटाती हिंदी, आधा अक्षर जब रह जाता, ये मैंने आधा अक्षर जब रह जाता, आधा अक्षर जब रह जाता दूसरा अक्षर सहारा बनकर तुरंत आ जाता, दूसरा अक्षर सहारा बनकर जाता, मिलजुल कर ये सब शब्द बनाए में गहरी पैठ बैठाए, हिंदी का क्या कहना हिंदी है, मिलजुल कर सब शब्द बताए, शब्द में शब्द मन में गहरी पैठ बैठाए, क्या बात है, क्या कहना हिंदी का क्या कहना, हिंदी है मेरे तन मन का गहना, हिंदी है मेरे तन मन का गहना, और हिंदी क्यों प्यारी है, हिंदी मेरी बोली, जैसा कि अभी प्राची जी ने कहा था, तभी मैं ये बात बोल, मैंने भी ये मेरी मन पसंद बात है, हिंदी मेरी बोली, सबकी अपनी अपनी सबको अपनी भाषा प्यारी है, मेरी हिंदी बोली मुझको हिंदी प्यारी है, मेरी हिंदी बोली मेरी मन की बोली,
मेरी हिंदी बोली क्यों अच्छी लगती है, मेरी हिंदी बोली मेरी माँ की बोली, मेरी माँ की बोली मीठी बोली, मेरी माँ की बोली मीठी बोली, जैसे मुंह में मिश्री सी बोली, जैसे मिश्री सी बोली, जैसे कोई जैसे कोयलिया कू कू अम्बुआ की डार पर डोली और बोली मेरी हिंदी बोली। क्या बात है, मेरी बहुत सुंदर दीदी। क्योंकि विदेश में आकर हम देश बसाया, लोग कहते हैं कि विदेश में चले गए वहीं गए देश को भूल गए, हम में से कोई देश को नहीं भूला, सब अपने देश को याद करते हुए विदेश में बसे। कविता लिखी है, विदेश में आकर अपना देश बसाया, हमने दोनों देशों का वर्चस्व बढ़ाया, सत्यम शिवम सुंदर ने देशों का वर्चस्व बढ़ाया, हमने छोले भटूरे भी खाए, हमने पिज्जा बर्गर भी खाया, एक हाथ में रस मलाई जी, एक हाथ में रस मलाई, एक हाथ में एप्पल पाई, हमने दोनों खाकर खुशी मनाई। बहुत सुंदर। हमने होली दिवाली खूब मनाई, हमने क्रिसमस त्योहार भी मनाया, खूब जलाई, हमने अमेरिका का ध्वज लहराया, अपने देश के ध्वज को न भुलाया, क्योंकि यहाँ दोनों देश एक दोनों ध्वज लहराते हैं एक साथ। हमने अपना अमेरिका का गाया, हमने न भुलाया, उनका पहना अपना पहना पहन के जाते, लेकिन अपने पहनाव को न भुलाया, हम यहाँ की वहां की संस्कृति दो को अपनाया, विदेश में ना देश बसाया, इस पर मुझे गर्व है। और हमारे हरियाणा के नीरज के भाले ने ऊंचा किया भारत का भाल, तो इस पर गर्व है, ऊंचा किया उसने भारत का भाल, उस पर गर्व है। हरा भरा है हरियाणा, तो हम भी हरे भरे रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंदी जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाकई अद्भुत अद्भुत, इतना सुंदर वर्णन, आनंद आ गया वाकई, और हमारा आज का कार्यक्रम और सफल हुआ। प्राची जी, हिंदी आप और आपकी कविता, आप तो लगभग सभी विषयों पे लिखा करती हैं जी, आज क्या मन कहता है सुनाने का? मैं आज एक्चुअली बड़े असमंजस में थी, मैं सोच रही थी आपको जैसे शाजुला जी ने नारी की शक्ति की बात करी उस पर सुनाऊं, या फिर एक और बहुत बड़ा महोत्सव है इस वर्ष हमारा 1971 का जो वॉर था उसको 50 वर्ष हुए हैं, तो स्वर्णिम विजय उत्सव हो रहा है इस साल दिसंबर में वो कंक्लूड होगा, मैंने कहा कौन सी कविता सुनाऊं, और वही मैंने अपनी माताजी का कमेंट देख लिया, उन्होंने लिखा है खेतरपाल, तो मैं चाहूंगी माँ की बोली सुना रही हूँ, तो माँ की ने जो मांग की वही सुनाऊ आपको। तो वीर रस मैं ज्यादा लिखती हूँ, श्रृंगार में थोड़े मेरे हाथ ढीले हैं, तो आपको सुनाती हूँ आज अरुण खेतरपाल जी की कहानी, जिन्होंने 1971 वॉर में मात्र 21 वर्ष की आयु में अपने प्राण देश के लिए दे दिए थे, और बहुत ही आजकल एक थोड़ा ट्रेंड भी आया है, हम इतना देख रहे हैं वीर रस की पिक्चरें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये जानना जरूरी कि 71 का जो वॉर था वो टेलीविजन पे हमने नहीं देखा था, लोग रेडियो पे खबरों का इंतजार करते थे, तो उस कहानी को जाने आप। शुरुआत करूंगी कि सुभाष अरुण अरविंद थापा चांदपुरी विक्रम निर्मल है नाम बड़े, है नाम बड़े अनजाने से जो अनजानों के लिए लड़े, ये भूल नहीं अब जाना है, ये भूल नहीं अब जाना है, इस बिखरे बहके जीवन में मिट्टी का तिलक लगाना है, एक लक्ष्य तुम्हें भी पाना है, एक लक्ष्य तुम्हें भी पाना है, अमर शहीदों को अब ध्याना है, इस चीज को एक सिर्फ डेट्स का मोहताज मत बनने दीजिए कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही आप भारत को या उसके वीरों को याद करें, एक लक्ष्य तुम्हें भी पाना है, अमर शहीदों को अब ध्याना है, तुमको ही भारत के भविष्य को, जैसे नीलू जी करती हैं भारत के भविष्य को सिखाती हैं, तुमको ही भारत के भविष्य को इन वीरों से मिलवाना है, ये भूल नहीं अब जाना है,
ये तो भारत के वीर जवानों की, पंकज जी भारत के वीर जवानों की मैं गाथा तुम्हें सुनाती हूँ। बहुत सुंदर। प्राची हूँ भारत की गरिमा का, दिनकर फिर आज जगाती हूँ। तो क्या बात है आपको, बहुत आभार, बहुत अच्छे, ले चलती हूँ, बहुत धन्यवाद, दिनकर की याद आ गई, बहुत धन्यवाद आपको, ले चलती हूँ बसंतर, बसंतर नदी पर जरपाल सेक्टर में ले चलती हूँ। सकरगढ़ सेक्टर में जरपाल रीजन था जहाँ जो भारत की गर्दन थी जब वो दाव पे लगी थी 1971 में, तो 21 वर्ष के एक युवा जो मात्र 6 महीने की सर्विस करके आए थे, उनकी कविता, उनकी कहानी आपके सामने सुनाती हूँ। जी मैं उनके भाई से मिला था प्राची जी, जी तो उनका ये कहना था कि उनके पास ये विकल्प था उस समय अरुण खेत्रपाल जी के पास जी, कि अभी आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, आप नहीं जा सकते जी, लेकिन उन्होंने अपनी जिद करके उसको वो वहां गए थे, बोले नहीं अगर देश की बात है तो मैं जरूर जाऊंगा, मेरी उम्र पे मत जाइए, और वो तब गए थे। बिल्कुल पंकज जी, उन्हें मना कर दिया गया था, कहा था आपकी ट्रेनिंग नहीं पूरी हुई है। वो अपने सीओ कर्नल हनूत के सामने खड़े होकर आंसू, उन्हें इतना क्रोध आ रहा था और रोने लगे, कहते सर मुझे जाना है। और कर्नल हनूत ने उनकी जो वायु जो ट्रेनिंग थी टैंक की, उसे मात्र 3 महीनों में पूरा करवाया था। उसी पूरी कहानी को ये आपके सामने रखती हूँ कि सुनो कहानी बसंतर की। लो सुनो कहानी बसंतर की, था जिसका पानी लाल हुआ, दुश्मन कण भी ना छू पाए, जिस मिट्टी का बेटा खेतर पाल हुआ। क्या बात है। अंतिम पग आईवी में जी, चल अंतिम पग वो वीर बना फौजी, वो मातृभूमि का मतवाला, लहराया युद्ध का परचम जब फूटी मन में जोश की ज्वाला। मैं भी दुश्मन को मारूंगा, मैं भी दुश्मन को मारूंगा, कह अग्निपथ के वो द्वार चला, हट से तप से, जो पंकज जी ने भी बात करी, हट से तप से बल से मत से, हर परीक्षा कर वो पार चला। जैसे बरसे मरुधर पर बादल, जैसे बरसे मरुधर पर बादल, मन में फिर यूं उल्लास हुआ, दुश्मन कण भी ना छू पाए, जिस मिट्टी का बेटा खेतर पाल हुआ। बहुत धन्यवाद नीलू मैम। कर्नल तारापुर जो भी, जो सेम यूनिट के थे, 17 पूना हॉर्स के ही थे, और वो भी परमवीर चक्र विजेता है। तो तारापुर का रणबाकुर फमा गुस्तवा, जो उनका टैंक था, तारापुर का रणबाकुर फमा गुस्तवा पर यूं चला रण को, फक्र हिंद। 17 पूना हॉर्स को पाकिस्तान ने नाम दिया था फक्र हिंद, फक्र हिंद का शहजादा, जो फिर चला फतेह करने सबको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर 71 में गर्जी थी बिजली, फिर 71 में गर्जी थी बिजली, खिसियाया दुश्मन था लूटे जर, ईस्ट में जो बैटल चल रहा था, जो वॉर चल रहा था, उसमें पाकिस्तान हार रहा था, तो खिसियाने के लिए उसने वेस्ट पे अटैक किया कि हम लैंड दबोचे और फिर इंदिरा जी से नेगोशिएट करें। फिर 71 में गर्जी थी बिजली, खिसियाया दुश्मन था लूटे जर, जरपाल से आगे जाना था, गर्दन थी देश की दांव पर, स्पियर हेड की नोक को चूर करे, 13 लैंसर पाकिस्तान, जिसको स्पियर हेड बोला जाता था, यानी कि एक भाले की नोक, स्पियर हेड की नोक को चूर करे, ये शूर वीर वो ढाल हुआ, दुश्मन कण भी ना छू पाए, जिस मिट्टी का बेटा खेतर पार हुआ। पंकज जी इमेजिन करिए कि वॉर का वो जो सीन है कि ये पाकिस्तान इतना डरा हुआ था, एक पूरी ब्रिगेड आई थी, एक पूरी आर्मी ब्रिगेड को, एक पूरी आर्मी ब्रिगेड को जी, वो कपटी दुश्मन लाया था, था हवन कुंड और सैनिक मुट्ठी भर, भारत के मुट्ठी भर सैनिक, था हवन कुंड और सैनिक मुट्ठी भर, बन सवा लाख में जूझ लड़ू, हर भारत का वीर चिल्लाया था, वो चीर हवा को बड़ा तेज देने, साथी का साथ चला, तब रुकी प्रलय है तोपों से, रोंदे दुश्मन को वो पार चला। अपना टैंक लेकर बढ़ते गए इतनी स्पीड में थे कि सिर्फ 3 टैंक आगे रह गए, बाकी जो 60 टैंक थे वो पीछे छूट गए। हांड मास का जाया आज, हांड मास का जाया आज, हिमालय अडिग पहाड़ हुआ, दुश्मन कण भी ना छू पाए, जिस मिट्टी का बेटा खेतर पाल हुआ। शातिर दुश्मन भी था जिद्दी,
शातिर दुश्मन भी था जिद्दी, दूजी बार पलट वो फिर आया, भाई देखो कितना विकट रहा, कितना भयभीत था पाकिस्तान, भाई देखो कितना विकट रहा, भिड़ ने तीन से पूरी सेना लाया, पूरा रेनफोर्समेंट आया था, फिर हुआ युद्ध, फिर बहा लहू, गूंजा अंबर सब हाहाकार हुआ, घायल अहलावत फसा मलू, कैप्टन अहलावत कैप्टन मलू, घायल अहलावत फसा मलू, बिन रुके महासंहार हुआ, जोश की चिंगारी जो था, जोश की चिंगारी जो था, देश प्रेम की आज मशाल हुआ, दुश्मन कण भी ना छू पाए, जिस मिट्टी का बेटा खेतर पाल हुआ। अब वो दृश्य देखिए कि वो रोक सास साधे वो ध्यान, चुन चुन दुश्मन को उठाता था, माँ का लाल हनुमान हुआ, अग्नि का गोला आता था, उनके ड्राइवर थे प्राण से, वो बोल उठे कि जल उठा है सब, पूरा टैंक जल रहा है, जल उठा है सब, आग बुझाते हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अब उस पे जवाब सुनी कि रुक यही लड़ेंगे प्राण अभी, रुक यही लड़ेंगे प्राण अभी, अपने अंदर की ज्वाला से दुश्मन को खाक बनाते हैं, जब तक मेरी गन चलती है, जब तक मेरी गन चलती है, एक एक को मार गिराऊंगा, मैं हनूत का सैनिक हूँ, कर्नल हनूत जिन्होंने कहा था कोई एक इंच पीछे ना जाएगा, मैं हनूत का सैनिक हूँ, एक इंच न पीछे जाऊंगा। आंखों से आंखें मिलती थी, अंतिम का दृश्य है पंकज जी की, आंखों से आंखें मिलती थी, जब आखिरी था वो वार हुआ, बहा लहू जल उठा था सब, बहा लहू जल उठा था सब, अरुण हिमालय की चट्टान हुआ, फिर 21 का वीर हुआ अभिमन्यु, वो परम वीर मिसाल हुआ, दुश्मन कण भी ना छू पाए, जिस मिट्टी का बेटा खेतरपाल हुआ, जिस मिट्टी का बेटा खेतरपाल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक विनती है मेरी कि 1971 की जो कहानियां है उन्हें जानिए, और 50 वर्ष हो चुके हैं, तो ऐसे कई वीरों की गाथाएं हैं, और बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे युवा उन कहानियों को जाने, उनके बारे में जाके गूगल करें। राखी जी, गूगल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक पर 1971 की पूरी लड़ाइयों के जितने भी मील के पत्थर हैं, उन सब पर हम लोग अगले ये सितंबर चल रहा है, 2 अक्टूबर के आसपास से पूरी सीरीज 1971 के युद्ध की हम शुरू कर रहे हैं। आज तक पर सभी लोग देख सकते हैं उसको, उसमें हम इस बसंतर की लड़ाई को भी ले रहे हैं। बसंतर की लड़ाई इसलिए स्पेशल कही जाती है क्योंकि वहां से पैटर्न टैंक थे और भारत के पास टैंक नहीं थे, लेकिन उस जगह को पूरी दुनिया के इतिहास में जब तक ये धरती रहेगी, पाकिस्तान के कब्रों टैंक के कब्रिस्तान के तौर पर याद किया जाता है। और वो 23 साल के अरुण खेत्रपाल जी जो चले गए हमें आजादी देकर, मुझे आज भी याद है कि मैं उनके जो टैंक के पे जो उनके साथ थे वो बचे थे, बहुत बुजुर्ग थे। हम लोगों ने इसी 1971 के कार्यक्रम की जिससे आपसे भी बात हुई, मैंने उनसे बात की, उनका इंटरव्यू लिया, तो वो रोने लगे थे, बोले साहब जा सकते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं चला गया और आज अगर यहाँ से टैंक आगे निकल गए तो लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या बात। पंकज जी, आप शशि पाधा जी को जानते होंगे अमेरिका से, उन्होंने किताब लिखी है इसी पर, वो भी फौजी की पत्नी है और बहुत बढ़िया किताब लिखी है इसी पर, उनको बुलाइएगा इस कार्यक्रम में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपका जो आदेश है उसको पूरा किया जाएगा। अब चूंकि हम लोग भी अब कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ हैं, और मैं चाहता हूं कि चलते चलते हम लोग एक एक कमेंट, एक एक मन की बात, क्योंकि अभी तक जो हम सब ने सुना वो मेरे सवाल थे, मैं चाहता हूं कि एक एक बात आप सबके मन की हम लोग करें। श्रृंगार रस की कमी रह गई है, फिर मैं उसे पूर्ण करते हुए थोड़ा सा कार्यक्रम का समापन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अनूप सर आपसे। आपने क्या कहा, श्रृंगार रस? अच्छा, आप खत्म करेंगे श्रृंगार से? तो आपने तो जो शुरू किया है वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो वो मेरे बारे में सोचती है क्या? अरे, इससे बड़ी लाइन क्या होगी, मेरा बस चले तो मैं अपनी अगली किताब का नाम ये रख दूं। नहीं, ये सवाल अक्सर आता है दिमाग में, तो गूगल से पूछने की इच्छा हुई। चलिए, तो हाँ, एक कविता सुनाए या कविता या जो आपको उचित लगे। चलिए, एक मैं कविता ही सुनाता हूँ, छोटी सी गजल है, थोड़ी अलग तरह की।
तो इसमें मैंने जो सूरज देवता होते हैं हमारे वैसे तो, लेकिन ये शायद हमारे हिंदू धर्म की ही खासियत है कि वो हमें हमारे देवता से भी चुटकी लेने की इजाजत देती है, देता है। तो इसमें मैंने कहा है कि जाने सूरज ढलता क्यों है, कि जाने सूरज ढलता क्यों है, इतनी आग उगलता क्यों है, और रात हुई तो छुप जाता है, रात हुई तो छुप जाता है, अंधियारे से डरता क्यों है। बहुत सुंदर। तो देखिए सूरज से कहा, कहने की जरूरत की है मैंने, कि जो कि अंधियारे को परिभाषित करता है वो अंधियारे से डरता है, कि रात हुई तो छुप जाता है, अंधियारे से डरता क्यों है, और रात सुबह और दोपहरी में, रात सुबह और दोपहरी में इतने रंग बदलता क्यों है, जाने सूरज जलता क्यों है, इतनी आग उगलता क्यों है, और सुबह का निकला शाम हुई है, सुबह का निकला शाम हुई है, अंधियारे से डरता क्यों है, सॉरी सुबह का निकला शाम हुई है, आवारा सा फिरता क्यों है, कि जाने सूरज ढलता क्यों है, इतनी आग उगलता क्यों है। और अवंतिम देखिए कि अगर सुबह को फिर उगना था, अगर सुबह को फिर उगना था तो फिर शाम को ढलता क्यों है, जाने सूरज जलता क्यों है, इतनी आग उगलता क्यों है, जाने सूरज जलता क्यों है। और अब आपने कहा तो एक दो पंक्तियों की एक श्रृंगार और दर्शन दोनों को मिलाने की बात कही है, तो कहा है कि सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है। अभय जी आपका ध्यान चाहूंगा मैं कि सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है, फिर बता सकोगी मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। क्या बात है, मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। धन्यवाद, बहुत सुंदर अनूप सर। मतलब आप जो छोड़ के जा रहे हैं वो मुझे लग रहा है अगले साल तक मेरे मन को मचता रहेगा। मैं वो मेरे लाइन शायद जीवन में मेरे मन से कभी नहीं निकल पाएगी कि मैं पूछूं गूगल से वो मेरे बारे में सोचती क्या है। क्या बात है, अद्भुत। अभय सर मैं बस अब ये इजाजत लेना चाहूंगा सबसे, बहुत बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम लोग बातें करें, और जो है मेरा यही कहना है कि आज आज की जो दुनिया है वो उसमें जो है हम जो दो प्रमुख चीजें हम हमारे सामने हैं वो है वो पर्यावरण परिवर्तन और जो जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, मतलब जो वो ये बड़ी चीजें मुझे खलती हैं। इसलिए एक एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कविता के माध्यम से, धरती नहीं बदलेगी, हवा बदल जाएगी, पानी बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, मेरे दोस्त कहते हैं इस खबर के प्रत्युत्तर में कि अब मुझे जाना है। मैं कहता हूं प्रिय मित्रों, हवा बदल जाएगी, पानी बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, देश बदल जाएगा, वाह, पर धरती नहीं बदलेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, अद्भुत। तो यही सोच बहुत सही विस्तृत है अभय जी, और वो दिखती है आपकी रचनाओं, बहुत बहुत विस्तृत सर। तो हम सभी जहां भी हो, आप कनाडा में हो या सिंगापुर में हो या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हो, संयुक्त ये यूनाइटेड स्टेट्स में हो, भारत में हो, जहां से भी सभी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, और हिंदी दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा है कि अगले इन इन जो हमारी जो यात्रा है वो ऐसे ही गुलाबी रहे।
जी, और बहुत आभार सर, आपने समय निकाला। मैं जानता हूं कि आपका समय हमारे सभी मेहमानों का ही समय, लेकिन सबका समय कीमती है, और समय न सिर्फ निकाला अपितु आपने अधिक समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हम साहित्य अड्डा परिवार के लोग आपके साथ आभारी हैं। हम समापन की ओर हैं सर, बिल्कुल कार्यक्रम अब समाप्त कर रहे हैं, एक एक कमेंट के तौर पे बस चल रहे हैं। शार्दुला जी, बहुत शुक्रिया। एक तो इतना आनंद आया भाई आपके इस गोष्ठी में, या आप कह दूं आपकी इस आंगन में जो चटाई बिछाई है आपने स्ट्रीम यार्ड की, उस पे बहुत आनंद आया, और बहुत से लोग परिचित थे, कुछ नए लोगों से मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक बात कहना चाह रही थी कि लोग बहुत मसरूफ हो जाते हैं अपने जीवन में, और अपना जो जिस चीज से उनको रूहानी सुख मिलता है उसको भूल सा जाते हैं। मगर वो अगर वो सुख आपको भाषा से मिलता है, कुछ भी, मुझे ऐसा फील, ऐसा महसूस होता है कि सबका अपना सत्य है, और अपने समय में सब अपने सत्य पे आएंगे, तो जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है। मगर अगर आपको वो सुख भाषा से है तो आप जुड़े, हिचकिचाए ना, आप लिखें और लिख के उसको पकने दें, थोड़ा जैसे खाने को पकने देते हैं, पकने दें, लिखते ही प्रेषित करने से थोड़ा सा रुकें, और जितना लिखें उसका 10 गुना 20 गुना कम से कम पढ़ें, तो आप जो जो करना चाहते हैं उस, और एक की हमेशा मतलब ईगो अहंकार से दूर रहेंगे तो बहुत फलेंगे फूलेंगे। एक दो पंक्ति इसी बात पे कहती हूँ कि पिघल के सूरज पड़ा है छत पे, पिघल के मिस्री घुली है खत में। पिघल के सूरज पड़ा है छत पे, पिघल के मिस्री घुली है खत में, पिघल के दोने में घी तिरा है, पिघल खुशियों का एक सिरा है। क्या बात है। मगर उससे जरूरी जो बात है वो है कि संभल के खुशबू ने राह बदली, संभल के खुशबू ने राह बदली, संभल के बेटे ने घर की सुध ली, संभल के पसरा दिन उठ चला है, संभल में जीने की एक कला है, संभल क्या बात है? कला। तो आप थोड़ा थोड़ा संभले और अपने जीवन को समृद्ध करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर बात की आपने, और ये बड़ी आवश्यक बात है आजकल, क्योंकि दो तुकांत मिलते ही लोगों को लगता है कि हम तुरंत फेसबुक पर डालें और 25 कमेंट और 10-12 लाइक्स के साथ हमारा काम हो जाए, लेकिन सच में आपने बहुत सुंदर बात कही और बड़ी आवश्यक बात कही जो इस समय बहुत आवश्यक थी। नीलू दीदी मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस आदर के साथ मिला रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जो जैसे कहा जो चटाई बिछाई उस पर हम बैठे हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो अपने यहाँ रहती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, परिवार को मैंने भारतीय साहित्य संस्कृति सिखाई है, मेरे बच्चे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलम्बस में पढ़ कर यहाँ सेटल हो गए, यहाँ बस गए थे, मैं भी आ गई, मेरे पोते पोते यहीं पर, और उनको भारतीय संस्कृति हम छा पाई इसका मुझे गर्व है, और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ इस बात के लिए। जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो पोते पोती ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, दादी को ऐसे वो पूछते हैं, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे यहाँ के पैदा हुए बच्चे, वो कहते दादी हमसे इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही बात करो, हमें हिंदी सिखा दो अच्छी तरह। तो ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है, और मैं अपनी एक आंख से सब बच्चों को देखती हूँ, बच्चों को बस हो रहा है खत्म। तो मैं बस एक ये कहना चाहती मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, ओ मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, मैं करती इसको वंदन, मैं करती इसका अभिनंदन, ओ मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, ये मेरी बिंदी
ये मेरी टिकुली, ये मेरी साड़ी, ये मेरी बिंदी, ये मेरी टिकुली, ये मेरी साड़ी, ये मेरे भारत की है पहचान, ये मेरे भारत की है पहचान, ये मेरे भारत का मान सम्मान, ये मेरे भारत का मान सम्मान, भारत की माटी, मेरे माथे का चंदन, हे माँ भारती, हे माँ गंगे, हे माँ भारती, हे माँ गंगे, हे ध्वज तिरंगे, हे ध्वज तिरंगे, तुमको शत शत नमन, तुमको शत शत नमन, वंदन और अभिनंदन। ओ मेरे देश की माटी, मेरे माथे का चंदन, मैं करती इसका वंदन, मैं करती इसका अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हमारा अब प्रोग्राम कार्यक्रम जो है बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लगभग लगभग कुछ और हम बस चलते चलते बस जरा सी बात रह गई है, जो कमेंट रह गया है प्राची जी की तरफ से रह गया है। प्राची जी, हिंदी और आप, या जो आपके मन में इस समय जो आपको कहना हो वो कह दीजिए। बिल्कुल पंकज जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कुछ पंक्तियां एक रचना की वही बस सुनाऊंगी आपको कि भाषा क्रांति की हिंद की हिंदी, भाषा शांति की हिंदी, साबरमती में उठी अहिंसा की आंधी, कण कण हर जंग मन की आन है हिंदी। प्रश्न ये पूछा सब जग बूझा, क्यों हिंदी पर इठलाती हूँ, भाषाएं अनगिनत यहाँ है, ऐसा क्या हिंदी में पाती हूँ, युग बदला है सोच है विस्तृत, ऐसी भाषा में एक भाषा में क्यों समाती हूँ, छूट न जाऊं प्रगति में पीछे, छूट न जाऊं प्रगति में पीछे, इस डर से क्या रुक जाती हूँ। इंग्लिश में घुल जाती हिंदी, शब्दों को धुंधला पाती हिंदी, कलम छोड़कर चले उंगलियां, स्मार्टफोन में सूक्ष्म हो आती हिंदी। काल जयी इस भाषा के वक्ताओं, धन्यवाद, काल जयी इस भाषा के वक्ताओं पर एक प्रश्न उठाती हूँ, कहते हो आन बान है हिंदी, सुनकर मैं धन्य हो जाती हूँ, भाषा कैसे सौंपे युवाओं को, जो नीलू जी काम करें, अनूप जी काम करें, शारदा जी करें, पंकज जी करें, कि भाषा कैसे सौंपे युवाओं को, तुमसे पूछने आती हूँ, लुप्त न हो ये सिमटे ना हिंदी, मन से गुहार लगाती हूँ, भारत मन में है जिह्वा पर हिंदी, भारत मन में है जिह्वा पर हो हिंदी, ये आवाहन करने आती हूँ, कठिन नहीं माँ की बोली है, कठिन नहीं माँ की बोली है, माँ के मन का हाल सुनाती हूँ, नव संस्कृति के निर्माण में एक सोच रोपने आती हूँ, प्राची हूँ हिंदी की गरिमा का, फिर दिन का रात जगाती हूँ। बस इसी के साथ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद शारदुला जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नीलू दीदी आपका, अनूप जी आपका, हमारे तमाम मेहमानों का, हमारे जो पारिवारिक सदस्य हैं साहित्य अड्डा के, जो लगातार हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन सब ने हमें इतना प्रेम दिया, और लगातार हम 2 घंटे हो गए हमें, मुझे पता नहीं चला, और लगातार वो सब हमारे साथ जुड़े रहे। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि पहला जिसका कमेंट आया उनका आखिरी कमेंट तक वो लगातार हमारे साथ हैं, यही है जो हमने अर्जित किया है। और मैं आज एक सवाल के साथ और कुछ बातों के साथ छोड़ जाना चाहता हूँ, जो शारदुला जी ने कहा, जो नीलू दीदी ने कहा। देखिए, जब आप नीलू दीदी जैसे हो जाते हैं तो आप कहीं भी हो, आप भाषा को वटवृक्ष बनाकर उसको पूरी या फिर उसकी क्यारियों में बो देते हैं। उन्होंने हिंदी को जिस रूप में रखा है, निश्चित तौर पर गर्व होगा हिंदी को भी उन पर, हमारी धरोहर है वो, हम उनका सम्मान करें। और उनका सम्मान का तरीका बस यही है कि हम प्यार किसी भी भाषा से करें, हम सब में बात करें, लेकिन जब बात हिंदी की आए और आप हिंदुस्तानी हैं तो गर्व से अपना कॉलर खड़ा करके सबसे पहले अपनी बात करें। शारदुला जी, बहुत सुंदर, आपने इतना सुंदर तरीके से कविताओं को भी पढ़ा, आपने इतनी अच्छी तरीके से हिंदी की बात की। सिंगापुर में रहती हैं आप, लेकिन आपके रग रग में हिंदी है, आपके मन में के हर भाव में हिंदी है। आज का हिंदी दिवस, मैं चाहता हूं कि एक दिन हम उसे राष्ट्रभाषा दिवस के तौर पर मनाएं। अपने सामने चाहता हूं कि मैं देखूं उसको, 75 वर्ष बीत चुके हैं,
हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सबके प्रयास रहेंगे तो वो दिन अवश्य आएगा। अनूप सर, आपने जो मशाल जलाई, उस मशाल से बहुत से लोगों ने, मैंने और देशों में भी विदेशों में भी लोगों ने दिए जलाए हैं उसी मशाल की लौ से, और हिंदी के दिए पूरे विश्व में जगमगा रहे हैं। अगर कोई तस्वीर खींच सकता उसकी, तो पूरे कॉन्टिनेंट को, अगर पूरी दुनिया को एक कॉन्टिनेंट मानता, तो उन जगमगाते दीपों को की कोई तस्वीर बनती तो वो भारत की तस्वीर बनती। आपने वो काम किया है, मैं आभारी हूँ आपका, एक भारतीय होने के नाते इसलिए, और आप भारतीय तो आप भी हैं, लेकिन इसलिए आपका आभारी हूँ कि जो मेरे मन की पीड़ा है वो 40 साल पहले जब मैं नहीं रहा होऊंगा उस समय आपने वो पीड़ा अपनाई, और आप उस पीड़ा को कम से कम एक सुकून के दायरे तक ले आए। मैं सदैव आभारी रहूंगा आपका इस बात के लिए। मैं आभारी रहूंगा प्राची जी आपके लिए कि आपने आज के समय में जब लोग सिक्स पैक एब्स को हीरो मानते हैं, उसको मानते हैं, कोई बुराई नहीं, मानना चाहिए अगर सेहत की बात है, फिटनेस की बात है, लेकिन अरुण खेत्रपाल को भी याद रखना चाहिए, 22-23 साल का लड़का, 21 साल का लड़का, जब मैं सोचता हूँ 22 साल की अपनी उम्र, तो मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल ये भी नहीं सोच पाता था कि मैं अभी बड़ा भी हो गया हूँ कि नहीं, और उन्होंने अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। आप कनाडा वैंकूवर में रहती हैं, मेरा कई बार आपसे वार्तालाप का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आपने जिस तरह से हिंदी की अलख जगाई है वो निश्चित तौर पर मान की बात है, अभिमान की बात है। मेरे कहने पर, मेरे आग्रह पर श्रद्धे श्री विभाग जौनपुरी जी, जो के ही अभियान को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे कहता हूँ, नाम हिंदी में कीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो नाम हिंदी में कीजिए, कम से कम एक समूह बनेगा हमारा। तो कई लोगों ने आज नाम किया, आशुतोष जी ने किया, आशीष जी ने किया, मैं सबका आभारी हूँ। डॉक्टर प्रशांत देव का आभारी हूँ, रिंकू पांचाल, निकू खूजा जी का आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ अपनी मिट्टी का, जिसने मुझे ये सिखाया कि हम हमेशा जहां भी जाएं लड़ते रहें, अपने लिए जगह बनाते रहें, क्योंकि सच में आप सब ने ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेतु बनाए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पुल बना दिए कि पूरी दुनिया भारत लगती है। जय भारत, जय हिंदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, और मैं 4:30 बजे मेरे यहाँ सुबह के 4:30 बजे सवेरे जब मैं उठी हूँ, लेकिन मैं अपना लोग हिंदी के लिए समरण नहीं कर पाई। बहुत सुंदर रहा, बहुत सब बहुत हम सब का ही यही मत है कि बहुत सुंदर संचालन हुआ, हम सबने बहुत आनंद उठाया। मुझे थोड़ा सा लोभ है पंकज जी, आप इतनी जल्दी समापन मत करिए, जो श्रृंगार वो बिल्कुल मैं चाहूंगी आप सुना दे वो, मुझे सारे श्रोता जो जुड़े थे वो अभी तक इसलिए जुड़े हैं कि उन्हें पंकज जी को नहीं सुना है, तो आप हो जाए कुछ, बहुत मेहरबानी होगी, कुछ हो जाए। मैं एक ऐसे एक गीत, श्रृंगार का एक गीत रख देता हूँ, मेरे मन का एक छोटा सा गीत है, स्वागत रख देता हूँ। स्वागत है। लौटने जब से लगा है चक्र जीवन का प्रिय, क्या बात है, लौटने जब से लगा है चक्र जीवन का प्रिय, प्रीत अक्सर पूछती है क्यों जुदा हम तुम हुए, वाह वाह वाह, बहुत हो गए तो ठीक था पर क्यों दोबारा ना मिले, मन की पीड़ा पूछती है किस तरह कैसे जिए, वाह 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 वाह। और भाषा का सौंदर्य देखिए, लौट कर धरती धुरी पे फिर वही आ जाती है, वाह, कभी चक्र पूरा होता है वो भी आ जाती है, लौट कर धरती धुरी पे फिर वही आ जाती है, दिन अमावस बाद चांदनी चंद्र संग मुस्काती है, वाह वाह वाह, ये जगत की रीत है मिलना बिछड़ना फिर मिलन, क्या ये जगत की रीत है मिलना बिछड़ना फिर मिलन,
सुबह मिलने रात से जो सांझ बन के आती है। क्या बात है, वाह। हम समय पथ पर कभी फिर क्यों न टकराए प्रिय। प्रीत अक्सर पूछती है क्यों जुदा हम तुम हुए। हा हा हा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बहुत मुश्किल था सचमुच तंग चल पाना प्रिय। क्या बहुत मुश्किल था सचमुच संग चल पाना प्रिय। क्या बहुत मुश्किल था सचमुच साथ हो जाना प्रिय। क्यों जटिल जीवन हुआ जितना न था सचमुच कभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों जटिल जीवन हुआ जितना न था सचमुच कभी। क्या बहुत मुश्किल था सचमुच फिर से मिल जाना प्रिय। मन की पीड़ा पूछती है आधे आधे क्यों जिए। आधे आधे क्यों जिए होठों पे हम तृष्णा लिए। मन की पीड़ा पूछती है किस तरह कैसे जिए। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंकज भाई। खाने के बाद जो मीठा होता है ना, वो मीठा मिल गया हम सबको आज। पुनः आभार, पुनः आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं आप। इसके बिना कार्यक्रम अधूरा था, इसके बिना कार्यक्रम अधूरा था। आदर सलाम आप सभी को, आपकी उपस्थिति में मैं कह पाया। बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। और हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे मोड़ पर दोबारा से, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आपकी पाठशालाओं को खोलेंगे, आपके मन के भाव खोलेंगे। मैं तब तक ये पूछता रहूंगा हमेशा कि मैं गूगल से भी कई बार जानने की कोशिश करूंगा वो मेरे बारे में सोचती है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद।